हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हेलो टू ऑल हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल कैसे हैं सभी लोग एक बार जल्दी से जल्दी सभी लोग आ जाओ सभी को मेरा राम राम सभी को मेरा दुआ सलाम सभी को मेरा जय हिंद है तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आग लगा दो कमेंट भर दो सभी लोग जल्दी से जल्दी लिखोगे जय हिंद जल्दी से जल्दी यस टुडे इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल क्लास आज क्या पढ़ने वाले हैं आज पढ़ने वाले हैं गियर का प्रोफाइल और उसके साथ साथ क्या पढ़ने वाले हैं सर जी लॉ ऑफ गियर यस तो आज हम बात करने वाले हैं गियर के लॉ की क्या होता है गियर का लॉ कैसे देखते हैं गियर के लॉ को क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें समझना जरूरी है देन उसके बाद गियर के ऊपर कौन कौन से प्रोफाइल होते हैं ताकि हमें पता चल सके प्रेशर एंगल कैसे देखते हैं क्योंकि आपने सुना होगा इन प्रोफाइल पर प्रेशर एंगल कांस्टेंट दिखाई देता है बट साइक्लोइडल पे प्रेशर एंगल वेरी करता है तो ये सारी चीजें जो हैं ये प्रोफाइल पे मैटर करती हैं प्रोफाइल पे वेरी करती हैं तो ये सारी चीजों को आज बताने आया हूं प्रोफाइल लेकर आपके सामने आया हूं गियर बनाने के लिए जो हमें चाहिए प्रोफाइल उसके बारे में बात करेंगे और करेंगे गियर का लॉ क्या है इसकी चर्चा करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सफर को आज से बिल्कुल अभी से तो हेलो एवरीवन दिस इज आलोक झा फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड वेरी वेलकम टू ऑल आप सभी का स्वागत करता हूं डेली की तरह साढ़े नौ बजे बिल्कुल टाइम पे हमारी क्लास स्टार्ट होती है और अगर आप हमारे क्लास में नए हो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेलाइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना चलिए शुरुआत करते हैं तो मेरे प्यारे भाइयों अगर मैं अपनी स्टार्टिंग करूं तो गाइड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रो देता हूं आप सभी को जो बच्चे नए हैं आई एम फोर टाइम्स गेट टॉप फ्रॉम ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस सब्जेक्ट मी इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग बिल्कुल आलोक लाइव क्या है सर जी आलोक लाइव एक क्या आलोक लाइव एक कोड है जिससे दस परसेंट का आपको डिस्काउंट मिलता है और शायद आपको भी मैं इसके बारे में एक बताने वाला हूं अकेडमी तरफ से एक बम्पर ऑफर अभी चल रहा है उसके बारे में मैं थोड़ी देर में बताता हूं आलोक लाइव एक पासवर्ड है जिससे आप कॉम्बेट का हिस्सा बन सकते हो एवरी संडे हर एक संडे सुबह बजे हर एक संडे सुबह बजे बिल्कुल, बिल्कुल 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 हर एक संडे सुबह ग्यारह बजे आप आ सकते हो एवरी संडे मॉर्निंग एलेवन एम अनबेक्ट का हिस्सा आप बनोगे अनएकेडमी कॉम्बेट के पे आकर आपको एक घंटे में बी क्वेश्चन करने हैं और यहां से एक्साइटिंग प्राइजेस मिलते हैं डियर और यहां अगर आपको जुड़ना है तो यहां आपको मेरा पासवर्ड यूज करना पड़ेगा आलोक लाइव और कहा यूज कर सकते हैं बेटा अन अकेडमी लर्निंग एप इंस्टॉल करो और मेरी सारी फ्री स्पेशल क्लासेस टू तो एक्सेस ऑल फ्री लेक्चर पासवर्ड इज आलोक लाइव सारे के सारे फ्री लेक्चर्स आप मेरे सारे लेक्चर्स देख सकते हो आलोक लाइव पासवर्ड लगाकर चलो आलोक लाइव और क्या है आलोक लाइव एक टेलीग्राम चैनल है टेलीग्राम पे जाओ सर्च करो आलोक लाइव मिल जाऊंगा अगर नहीं होता ये लिंक आप गूगल क्रोम में लिखो इंटर मारो आपको मिल जाऊंगा फिर भी नहीं तो आप इसको स्कैन करो फिर भी मिल जाऊंगा ठीक है आलोक लाइव टेलीग्राम चैनल पे मेरी सारी क्लासेस के पीडीएफ सारे लिंक सब अवेलेबल हैं प्रीवियस क्लासेस के भी और इसके भी कल मैंने तो पूरा प्लेलिस्ट का भी लिंक डाल दिया है एक बार जाकर देखना जी आलोक लाइव क्या है सर जी एक कोड है मैंने बोला था एक बम्पर ऑफर इस समय चल रहा है बम्पर ऑफर क्या है डियर अगर इसका फायदा लेना चाहते हो तो जल्दी जल्दी ले लो बेटा कुछ दिनों के लिए ये ऑफर है तो फटाफट ले लो अगर आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो होकेडमी पर तो आपको तीन मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है ठीक है ये ज्यादा दिन का प्लान नहीं है ये एक दो दिन का और प्लान है तो खरीदना हो तो फटाफट एक बार आओ बम्पर ऑफर में फटाफट आप ले सकते हो ठीक है ना पिछले महीने होली पे ऑफर था बारह महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे तो बेटा आप देख सकते हो बारह महीने का लोगे तो दो महीना एक्स्ट्रा मिलेगा बट इस महीने आपको जो दिया गया है बारह महीने पे तीन महीना एक्स्ट्रा मिलेगा इसके बाद नहीं आने वाला मैं फिर से बता रहा हूं इसके बाद नहीं आने वाला यह बंपर ऑफर अगर किसी को भी लेना है वो फटाफट एक बार आलोक लाइव टेलीग्राम चैनल पर जाए वहां ऊपर मेरा नंबर है उससे आप मेरे को कॉल कर सकते हो अगर किसी को डाउट हो किसी रिगार्डिंग अदरवाइज लेना है तो यू कैन यूज माई कोड लाइव और एक बार मुझे जरूर बता देना ठीक ना क्योंकि उसके बाद बाकी की सारी फैसिलिटी भी आपको देनी होगी ठीक है आपको प्रोवाइड कर दूंगा सारी फैसिलिटीज ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं तो चलो रे बाबा स्टार्ट करते हैं गेट रेडी टू तो लर्न हार्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग दैट इज गियर मैकेनिकल की साइन कभी भी आप देखते हो तो गियर बना होता है बगल में चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे की जैसे मैंने कल आपको बताया था कि लॉ ऑफ गियर की बात करनी है और जो पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट रेशियो हमारा एनालिसिस के अंदर होगा ये मैंने कल ही आपको बता दिया था एनालिसिस कल से हमारा स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो आज कुछ रुझान आना चालू हो जाएंगे एनालिसिस के वो आपको बीच क्लास में आपको देखने को मिल जाएगा मेरे बच्चों चलिए तो स्टार्ट करते हैं सो गाइज आर यू रेडी अगर आप तैयार हो अगर आप तैयार हो तो एक बार थम्स कर दो एक बार थम्स कर दो अगर आप तैयार हो एक बार थम्स कर दो एक बार थम्स कर दो बिल्कुल फटाफट 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 और बाबा सेशन को लाइक करते रहोगे सेशन को लाइक करते रहोगे देखो मैं बार बार नहीं बोलूंगा सेशन को लाइक करते रहोगे सभी लोग सेशन को लाइक करते रहोगे और एक बार फटाफट सभी लोग जल्दी से जल्दी आ जाओ चलो तो बच्चा लोग स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ गियर बताने से पहले मैं आप लोगों को गियर के उस प्रोफाइल के बारे में थोड़ी बात बताना चाहूंगा क्योंकि लॉ ऑफ गियर के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हो मैंने आपको बताया था वो फ्रिक्शनल डिस्क जो रोटेट तो करे ठीक ना पावर भी ट्रांसमिट करे बट जिसके ऊपर ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू क्या हो कॉन्स्टेंट हो वही लॉ ऑफ गियर है ठीक है ना लॉ ऑफ गियर आपका यही चीज बताता है मैं अभी लॉ ऑफ गियर पे वापस आऊंगा ठीक है ना ये फिगर कैसे जनरेट हुआ ये मैं आपको बताऊंगा ठीक है ना उससे पहले मैं चाहता हूं एक बार आप प्रोफाइल के बारे में सीख लो प्रोफाइल अगर आपको समझ में आ गया तो लॉ ऑफ गियर का कहीं नहीं गया डेरिवेशन ठीक है ना और ना एग्जाम में तो डेरिवेशन इतना नहीं आता बट इसको समझना कहीं नहीं गया ठीक है लॉ ऑफ गियर को हम लोग समझेंगे डोंट टेक टेंशन मजा आएगा ठीक है ना फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताना चाहूंगा गियर के प्रोफाइल देखो गियर का दो प्रोफाइल होता है ये प्रोफाइल का मतलब क्या है गियर में थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा सुनिएगा का ध्यान से सुनिएगा ध्यान से गियर में प्रोफाइल का मतलब क्या होता है याद होगा कल मैंने बड़ा बढ़िया बढ़िया टीथ बनाया था याद है ये गियर का टीथ बनाया था इसे जी सर बनाया था बेटा आपको ये दिख रहा होगा ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये और ये वाला पार्ट ठीक ना या ये वाला पार्ट ये क्या है सर दिस इज कॉल्ड प्रोफाइल ये क्या है गियर का प्रोफाइल गियर का प्रोफाइल कहने का मतलब है गियर के टीथ का प्रोफाइल आर यू गेटिंग माय पॉइंट ठीक है ना गियर के टीथ का प्रोफाइल है सर जी गियर के टीथ का प्रोफाइल है इसका मतलब क्या है मेरे बच्चों ध्यान सुनना ये टीथ का जो सेप है ना वो कैसा होना चाहिए ये डिपेंड करता है कि गियर घूमेगा कैसे ठीक है ना सुनिएगा ध्यान से जैसे ये बड़े ही आसानी से रोटेट कर रहा है तो इसके अंदर क्या क्या है कैसे है ये सब चीजें देखनी है तो जब असिस्टेंट ने टीथ बनाना शुरू किया तो उसने सबसे पहले क्या किया स्ट्रेट टीथ कट कर दिया फिर बॉस आकर कहता है नहीं इंक्लाइंड टीथ करो स्ट्रेट टीथ था तो एस फॉर स्ट्रेट एस फॉर इस पर गियर बॉस कहता है इंक्लाइन टीथ कर दो तो असिस्टेंट कहता है किस एंगल पे कहता है तो हेलिक्स एंगल से निकला हेलिकल गियर फिर फिर भी नहीं रहा गया क्योंकि एक्सियल थ्रस्ट था तो उसको दूर करने के लिए डबल हेलिकल गियर ले आए फिर इंटरसेक्टिंग साठ पे बेवल गियर लेकर आ गए लेकिन किसी को ये नहीं पता था प्रोफाइल कैसे बनाना तो गियर के प्रोफाइल की चर्चा करते हैं मेरे बच्चे तो दो टाइप का प्रोफाइल होता एक होता है इनवोल्यूट गियर एक होता है साइक्लोइडल गियर अगर आपसे किसी भी इंटरव्यू एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज वोल्यूट गियर ठीक है ना तो आपको फील होता है कि यार गियर का पूछ रहा है नहीं आपको यह बोलना है प्रोफाइल पे बना हुआ गियर इनवोल्यूट गियर कहलाता है दैट्स इट ठीक है ना सुनिएगा मेरी बात ध्यान से उसने आपसे यह नहीं पूछा है इनवोल्यूट प्रोफाइल क्या होता है उन्होंने आपसे पूछा है इनवोल्यूट गियर क्या है ठीक है इस बात को ध्यान रखिएगा, टू द पॉइंट बात करना इट अगर cycloidal gear पूछता है साइक्लोइडल प्रोफाइल से पूछता है cycloidal gear बताओ, तो आप लोग अपने अपने मन मन से से ये सब नहीं बताने। अपने मन से कुछ मत बोलना जितना पूछा जाए उतना बोलना है जैसे इनवॉल्यूट गियर तो इनवॉल्यूट प्रोफाइल बना हुआ गियर सब इनवॉल्यूट गियर है अब वो इनवॉल्यूट प्रोफाइल पूछे तो बताओ फिर कहा जाए कि और बोलो इसके बारे में तो आप कहिए सर अब इनवोल्यूट प्रोफाइल के बारे में हम आपको बताएंगे ठीक है ना तो गियर का प्रोफाइल इन दोनों गियर के लिए बना गया था एक साइक्लोइडल गियर एक इनवोल्यूट गियर एक्चुअली में ये गियर का नाम जो है प्रोफाइल के नाम पर पड़ा है इनवोल्यूट प्रोफाइल और साइक्लोइडल प्रोफाइल ठीक है ना प्रोफाइल का मतलब क्या होता है ये समझ गए जी सर अब मैं इसी को बनाने जा रहा हूं यही प्रोफाइल आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ ठीक है ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइक्लोइडल गियर है देन इनवोल्यूट है तो एक बार मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इनवोल्यूट गियर क्या है ठीक क्या -क्या? है उसका क्या है? ये और, फिर पे। तो थोड़ा और आगे चलो ठीक है ये तो भी साइक्लोइडल है।, है अभी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल चलूंगा कहा इनवोल्यूट सुनिए इनवोल्यूट प्रोफाइल ये कैसे जनरेट हुआ यू कैन सी दिस आपको करना क्या है हमने क्या किया एक फिक्स सर्किल लिया हमने क्या किया एक फिक्स सर्किल लिया यू कैन सी दिस आप अगर इनवॉल्यूड प्रोफाइल को जनरेट कर रहे हो तो कैसे जनरेट कर रहे हो ध्यान रखना फिर इसका डिफरेंस भी बताएंगे आप ये ब्लू कलर का सर्किल देख रहे हो सभी लोग एक बार कमेंट करके बताओ ये ब्लू कलर के छोटा सर्किल देख रहे हो आप ब्लू कलर का छोटा सर्किल दिख रहा है यस और नो जल्दी से जल्दी बताओ कमेंट कर दो रे बाबा ब्लू कलर का छोटा सर्किल दिख रहा है जी सर अब इस ब्लू कलर के छोटे सर्किल पे मैंने क्या किया सुनना मेरी बात मैंने इसके ऊपर मैंने, मैंने ब्लैक कलर का ये दिख रहा है अब मैंने क्या किया अब इसमें से मैंने धागा खोल रहा हूं जो जो मैं इस पर धागा खोलूंगा होते हो तो ये धागा क्या होता जाएगा बड़ा होता जाएगा समझ में आ रही बात बात समझ में आ रही है फिर से लपेटो अब दिखाता हूं देखो देखना ध्यान से मैं ये धागा खोल रहा हूं yes यस और no? नो बिल्कुल सर यू कैन सी दिस अभी थोड़ा देखना ध्यान से देखो ये खोला खुला, खुला 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 ये ओपन हो रहा है ये ओपन हो रहा है और ये धागा यहां तक पहुंच गया क्लियर तो एक सर्किल पे ठीक है ना एक सर्पिल में मैंने धागा बांधा हुआ है और धागे को मैं क्या कर रहा हूँ खोल रहा हूं आपको भी लग रहा होगा ये क्या है अभी बताता हूं सर हेल क्या है ठीक है ना तो अच्छा ये बताओ ये रेड कलर का लाइन तो बार बार चेंज हो रहा है जी सर चेंज हो रहा है ये ब्लू कलर का लाइन क्या है सर ये ब्लू कलर जो है ये ये जो है ये सर्किल है ठीक है ना ये जो है मेरे बच्चे ये क्या है डियर दिस इज द दर्किल दिस इज वॉट दिस इज द सर्किल एंड व्हाट इज दिस सर्किल इस सर्किल का नाम क्या होता है ये सर्किल सुन ये सर्किल का नाम क्या है सुनिएगा सर्किल फिक्स होती है ये सर्किल क्या है डियर फिक्स सर्क। ये सर्किल क्या होती है फिक्स्ड इस सर्किल को कहते हैं फिक्स्ड सर्किल इसी का दूसरा नाम होता है बेस सर्किल इसी का दूसरा नाम होता है बच्चा लोग बेस सर्किल यू कैन सी दिस देखो ध्यान से देखो तो इसका दूसरा नाम है बेस 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 सर्किल 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 ये कौन सी है 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 सर दिस इज द और बेस के ऊपर हमने क्या खींचा खींचा प्रोफाइल ठीक तो बेस सर्किल क्या होती है बेटा वो फिक्स सर्किल होती है बेस सर्किल का एक और डिफिनीन कि इनवॉल्यूट प्रोफाइल का जनरेशन किस सर्किल पे किया जाता है एग्जाम में आएगा आंसर क्या होगा बेस सर्किल क्वेश्चन आएगा इनवोल्यूट प्रोफाइल का जनरेशन जिस फिक्स सर्किल के ऊपर होता है उस सर्किल का नाम क्या है आप कहोगे बेस बेस प्रोफाइल का जनरेशन जो पे होता है वो वो क्या होती है? सर, वो होती है है सर फिक्स्ड अपनी पोजीशन पे अपनी पोजीशन पे फिक्स होती है वो हिलती डुलती नहीं ठीक है ना इतने सारे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं पहला क्वेश्चन डन है अब देखो अब इस सर्किल के ऊपर ये प्रोफाइल बन रहा है इससे फायदा क्या है थोड़ा आओ मैं आपको दिखाता हूं अब थोड़ा सा मैं छोटा सर्किल सर्किले इसको बड़ा करता हूँ बड़ा करता हूँ सर्किल को मैं बड़ा करता हूँ इन लार्ज करता हूं ठीक है ना थोड़ा ध्यान से देखना अब इस सर्किल को थोड़ा बड़ा करूंगा तो मैं हाफ सर्किल बना रहा हूँ पूरा सर्किल नहीं बना रहा हूं ठीक है ना मैं इतना बड़ा कर दूंगा कि मैं हाफ सर्किल ही दिखाऊंगा आपको मैं इतना बड़ा कर दूंगा कि हाफ सर्किल दिखाऊंगा पूरा सर्किल नहीं दिखा रहा अब देखो देखना ध्यान से ये लाल कलर वाला ऐसे घूम रहा है बोलो हां ये ऐसे जा रहा है जी सर देखो मैं भी ऐसे ही बनाऊंगा मैं भी ऐसे ही बनाऊंगा है कि नहीं सेम टू तो सेम गया कि नहीं गया सेम टू तो सेम गया ना देखो ऐसे गया ना सेम टू तो सेम देखो ऐसे ही गया देखो ऐसे गया ना बिल्कुल सर बेटा आप ये बताओ कि अगर मैं धागे को इधर से खोल सकता हूं समझने की कोशिश करना समझने की कोशिश करना मैं अगर धागे को ऐसे खोल सकता हूं जैसा इस जैसा इस एनिमेशन में आपको दिख रहा है तो क्या मैं इस धागे को ऐसे नहीं खोल सकता इसके जस्ट अपोजिट ऐसे खोल सकता हूं ना बिल्कुल खोल सकता हूं तो इसका मतलब है मेरे बच्चे कि इधर से भी यह धागा खुल सकता है मतलब जो टेंजेंट प्रोफाइल बना ये क्या हो सकता है इधर से भी ओपन हो सकता है अच्छा आपको पता होगा ये धागा यहां से खुल रहा है तो यहां क्या क्या हो रहा है मैं आपको बताना चाहूंगा ये धागा जो यहां से खुल रहा है ना इसका अलग अलग एक प्रोफाइल का जनरेशन हो रहा है ये धागा यहां से खुला सॉरी देखना ध्यान से देखो ये धागा यहां से खुला सॉरी ये क्या हो रहा है ये धागा यहां से ऐसे 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 ओपन हो हो रहा है। है? है, है, ना? तो ये क्या है? ये है, ये, दा, दा, है, ये क्या जो 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 धागा धागा आपका कह सकते यहां से खुला फिर इतना खुला फिर इतना खुला फिर इतना खुला खुला फिगर को जस्ट अपोजिट करके बना सकता हूं बिल्कुल बना सकता हूं सर मतलब मैं धागा तो जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा ऐसे ही खोलूंगा मैं इस धागा को ऐसे भी खोल सकता हूँ लेकिन अगर वो सर्किल हमारी कौन सी सर्किल सर सर्किल कौन सर्किल सर फिक्स का नाम बेस सर्किल मैं इस धागा को ऐसे भी तो खोल सकता हूं कहीं कहीं लिखा थोड़ी ना है कि आप ऐसे ही खोलो मैं ऐसे भी तो ओपन कर सकता हूँ बिल्कुल कर सकता हूँ सर तो इसका मतलब है उस समय उस पोजीशन में मेरा जो धागा होगा कुछ ऐसे ऐसे हो समझ लो बात मेरी बातों को समझ में आया जो मैं ऐसे ओपन कर रहा हूं वो मैं ऐसे भी कर सकता हूं बिल्कुल सर अब मैं कह रहा हूं इन दोनों प्रोफाइल को अगर एक दूसरे के ऊपर मर्ज कर दिया जाए अगर इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर मर्ज कर दिया जाए पिक्चर वन एंड पिक्चर टू को एक दूसरे के ऊपर मर्ज कर दिया जाए तो एक नया प्रोफाइल जनरेट करता हुआ दिखेगा दैट इज इनवोल्यूट प्रोफाइल ठीक है ना ये क्या है दिस इज द बेस सर्किल दिस इज द फिक्स सर्किल

ये क्या हमारा बेस सर्किल, ये क्या हमारा सर बेस सर्किल है ओके अब जब मैं इन दोनों के को एक दूसरे को मर्ज कर दूंगा यहां से ऐसे ठीक है सुनिएगा ध्यान से और यहां से ऐसे जाएगा जब मैं इन दोनों के एक को एक दूसरे को मर्द कर दूंगा ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे जी सर ठीक है बेटा यहां एक आपको कुछ कट करता हुआ दिखाई दिया जी सर तो बेटा इसी में अगर मैं गियर का प्रोफाइल का जनरेशन करूं तो कुछ ऐसा ठीक है ना दिस इज कॉल्ड इनवॉल्यूड गियर गियर इनवॉल्यूट गियर का टीत का जनरेशन हुआ है यू कैन सी दिस ध्यान से देखो बिल्कुल प्यार से देखो मैं अभी आपको इसके बारे में एक एक पॉइंट बताऊंगा टेंशन मत लो मैं बहुत कुछ लेकर आया हूं डियर डोंट टेक एनी टेंशन मैं हर एक पॉइंट क्लियर करूंगा ठीक है टेंशन मत लो बस देखते जाओ तो ठीक है ना अब मैंने क्या किया कि उन दोनों एक को एक दूसरे के ऊपर मर्ज कर दिया बेटा क्या जनरेट हो गया सर दिस इज कॉल्ड इनवॉल्यूट प्रोफाइल ठीक ना इनवॉल्यूट प्रोफाइल से बना हुआ गियर का टीत आपको सामने दिख रहा है और मेरे बच्चे अगर मैं इसी को थ्री में दिखाना चाहूं तो मैं ऐसे दिखाऊंगा पीछे की ओर अगर दिखाना चाहूं ये बन गया गियर का टीथ दिस इज द इनवॉल्यूट टीथ बोलो हा या ना देखो सेम टू सेम हा या ना सर इसके बारे में कुछ पॉइंट्स और बताइए बेटा देखो इनवोल्यूट प्रोफाइल किसी फिक्स सर्किल पर बनता है पहला पॉइंट क्लियर रखो कि ये लाइन बोला जाता है द लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन विच रोल्स विदाउट विदाउट स्लीपिंग ऑन ए फिक्स सर्किल सर आपने क्या बोल दिया एक बार और बताओ ध्यान से सुनोगे बचा लोग बचा लोग ध्यान से सुनोगे बहुत ही फील होने वाला है बहुत ही जबरदस्त तरीके से ठीक है ना ये जो धागा निकल रहा है दिस इज द लोकस दिस इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट ये एक ब्लैक कलर का पॉइंट है जिसका लोकस मैं देख रहा हूं ये एक ब्लैक कलर का पॉइंट है जिसका मैं लोकस देख रहा हूं ये प्रोफाइल नहीं एक लोकस द लोकस ऑफ ए पॉइंट किसी एक पॉइंट का लोकस ऑन द लाइन किस लाइन के अबाउट विच ऑन द लाइन विच रोल्स विदाउट स्लिपिंग बेटा ये धागा ये कहीं स्लिप कर रहा है क्या नहीं सर ये स्लिप नहीं कर रहा पूरा पूरा करेक्ट प्रोफाइल बना रहा है ठीक है ना विच रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन ए फिक्स सर्किल दैट फिक्स सर्किल इज कॉल्ड बेस सर्किल That is, involute profile generation. ना, किसी एक फिक्स सर्किल के रेस्पेक्ट में वो लोकस क्या हो रहा है तो आप बेस सर्किल कहोगे पहला पॉइंट क्लियर दूसरा पॉइंट आपसे पूछा जाएगा जब हम इनवोल्यूड प्रोफाइल बनाते हैं तो कितने कर्व दिखाई देते हैं भाई इनवोल्यूड प्रोफाइल मैंने बनाया मेरे को तो एक ही कर्व दिखा कितने कर्व, कर्व दिखे सर मेरे को तो एक ही कर्व दिखा कितने कर्व सर सिंगल कर। वन कर्व ओके इनवॉल्यूट प्रोफाइल सिंगल कर्व पे बना होता है यू कैन सी दिस मैं यही सारे पॉइंट्स आपको बताता हूं ठीक है ना यू इनवॉल्यूट प्रोफाइल जो होता है सिंगल कर्व पे बना होता है और कैसा सरफेस होता है इनवॉल्यूट का कॉन्वेक्स सरफेस होता है कैसा होता है कॉन्वेक्स सरफेस होता है

जब इन्वॉल्यूट प्रोफाइल बन गया इतिहास में सबसे पहला प्रोफाइल इन्वॉल्यूट प्रोफाइल हमारे इतिहास में बन गया तो हमें इतनी खुशी हुई इतनी खुशी हुई ठीक है ना कि भाई हमने गियर घुमाना शुरू कर दिया ठीक है भाई हमने ध्यान नहीं दिया इंसान को जब ज्यादा खुशी होती है ना तो वो ज्यादा ध्यान नहीं देता ठीक है ना और उसी खुशी के बीच में एक मिस्टेक कर जाता है ठीक है ना तो इतनी ज्यादा खुशी हो गई कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया और दे दनादन गियर घुमाना चालू कर दिया कुछ देर के बाद हमारे गियर के टीथ टूटने शुरू हो गए अब आप भी सोच रहे हो ऐसा क्या हो गया भाई ऐसा क्या हो गया भाई जो गियर के टीथ टूटने शुरू हो गए कोई टूट रहा है कोई ब्रेक हो रहा है किसी का वियर हो रहा है ठीक ना ऐसा क्या हो रहा है वियर का मतलब समझते हो ना वियर का मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो टीयर एंड वियर सुनते जानते हो गए गियर में क्या होता है जब किसी भी चीज में क्या होता है स्टार्टिंग में टीयर एंड वियर होता है जैसे मैंने ये टी शर्ट पहना तो स्टार्टिंग बड़ा अच्छा था फिर मेरे मेरे बॉडी के हिसाब से टीयर एंड वियर होकर सेट हो गया ठीक है ना तो खींचा खींच तनाव होता रहता है गियर में किसी मटेरियल में होता है टीयर एंड वियर तो डियर यू कैन सी दिस <coughs> सिंगल कर्व है जी सर कॉन्वेक्स सरफेस है जी सर और इस पे पूरा प्रेशर एंगल क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है सेम होता है हर जगह ओके गियर में अब समझने की कोशिश करिएगा इतना खतरनाक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया जब हम इस गियर को चलाना शुरू किए क्यों हुआ मैं आपको बताता पहली बात तो हमने ऊपर से क्या किया हमने यहां से इसको कट कर दिया इस प्रोफाइल को हमने क्या किया इस प्रोफाइल को हमने ऊपर से ऐसे कट कर दिया इससे क्या हुआ जब हमने इसको ऊपर से ऐसे कट कर दिया इसका एक शार्प एज मिला क्या मिला शार्प एज शार्प एज अब सुनो एक गियर के ऊपर ये थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूं यह देखो इनवॉल्यूट गियर दिख रहा है ठीक है ना यहां क्या आ गया शार्प एज अब ये शार्प एज अब सुनना एक गियर है एक पिनियन है एक गियर है एक पिनियन है ठीक है ना आज घड़ी पह, घड़ी पहनना भूल गया हमें ठीक है ना एक गियर है एक पिनियन है अब क्या होगा दोनों को क्या होगा बेटा दोनों की होगी मैशिंग अब जो दोनों की मैशिंग होगी मेरे बच्चे तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों इसका सार पेज इसके बॉटम को क्या करेगा काटने की कोशिश करेगा जी सर काटने की चिंटू भागता हुआ आया मैंने कहा क्या हुआ कहता है अरे सर कल आप तो बताए थे क्लियरेंस रखेंगे कहां से काटेगा मैंने कहा डियर ठीक है भाई क्लियरेंस रख लो क्लियरेंस रखने के बाद भी शार्प एज ने इसके ऊपर इसके मटेरियल को काटना शुरू कर दिया ठीक ना डिगिंग एक्शन होना शुरू हो गया मतलब खोदना शुरू कर दिया उसने ठीक है इस शार्प एज ने खोदना शुरू कर दिया और गियर का जो प्रोफाइल था यू कैन सी दिस देखो ध्यान से यहां आपको इस फिगर में क्लियर हो रहा होगा ये वाला पार्ट अब यहां ध्यान से देखो इतने को कट कर रहा है ध्यान से देखो इस मटेरियल को कट कर रहा है बोलो या ना ये सार्प एज इसको क्या कर रहा है बेटा काटने की कोशिश कर रहा है या ना क्लियरेंस दिया है मैंने ऐसा नहीं है कि क्लियरेंस नहीं दिया है क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड माइ डियर फ्रेंड यू लुक एट दिस बाई डिगिंग एक्शन ओके और ये एक्शन इनवोल्यूड प्रोफाइल का सबसे खतरनाक एक्शन था और इतिहास में भी कहा गया है कि जब तक किसी चीज में कमी ना हो तब तक दूसरी चीज नहीं बनेगी भाई इन्वॉल्यूट प्रोफाइल में कमी थी तभी इस पृथ्वी पे साइक्लोइडल ने जन्म लिया अदरवाइज नहीं होता ध्यान रखिएगा इन के अंदर कमी क्या थी वो यही कमी थी कि एक गियर का टीत दूसरे गियर के टीत पर जाकर क्या कर रहा है इंटरफेयर कर रहा है इंटरफेयर कर रहा है उसको तोड़ने की उसको काटने की पूरी कोशिश कर रहा है ठीक है ध्यान रखिएगा इसी को हमने दूसरे नाम में क्या बोला भैया इंटरफेयर करोगे किसी के मामले में और क्या कहलाएगा ये इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस कब पढ़ेंगे बेटा इंटरफेरेंस के बारे में आज तो मैं बस थोड़ी बहुत बात करूंगा इंटरफेरेंस के बारे में छोटी सी बात मतलब 20 परसेंट बात करूंगा 100 परसेंट बात करूंगा बेटा में तीसरे दिन कल परसों नहीं तीसरे दिन बात करूंगा ठीक है ना तो मैं बात करूंगा इंटरफेरेंस के बारे में सिर्फ और सिर्फ इंटरफेरेंस के बारे में बात करूंगा मात्र ठीक है ना लेक्चर का नाम ही इंटरफेरेंस रहेगा तो मैं ये बात कह रहा हूं बेटा यहां क्या है डियर यहां हो रहा है डिगिंग एच ठीक है जिसके कारण क्या हो रहा है इनवॉल्यूट प्रोफाइल के अंदर डिगिंग एक्शन हो रहा है और ये क्या है अकेला इनवोल्यूट प्रोफाइल का ड्रॉबैक दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ इनवॉल्यूट प्रोफाइल दैट इज नेम एज वॉट दैट नेम इज इंटरफेरेंस तो इनवॉल्यूट प्रोफाइल का एक ड्रॉबैक है जिसका नाम है क्या बेटा इंटरफेरेंस अगर कोई कहता है पूछता है तो आप तुरंत पूछिएगा कहिएगा डिगिंग एक्शन का मतलब समझ में आया डिग करना अरे खोदना दे दना खोदना दे शुरू कर दिया काटना शुरू कर दिया ओके आप आप यहां यही लाइन लिखी है आप एक बार पढ़ सकते हो आराम से आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में आप एक बार पढ़ लेना ठीक है प्यार से पढ़ना नोट्स बनाते रहो नहीं बना रहे हो तो इसको डाउनलोड करते रहो क्योंकि ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चमकता हुआ फिगर आपको दिख रहा होगा ठीक ना टेंशन मत लो ओके डियर चलो तो भैया इनवोल्यूट के अंदर में एक खराबी थी हां सर खराबी थी क्या खराबी थी आओ देखते हैं सर इन्वोल्यूट के अंदर में एक खराबी ये थी कि वो क्या करता था वो इस पोर्शन को काटना शुरू कर देता था ठीक है ना इस पोर्शन को वही चीज ऐसे बना दिया मैंने इस पोर्शन को कट करना ये पोर्शन कौन सा है? सब फिलेट वाला मतलब ज़... मतलब अगर रूट वाला पोर्शन क्या करता था कट करना शुरू करता था ठीक है अब असिस्टेंट को समझ नहीं आ रहा था कि एक तो इतना मुश्किल से एक तो इतना मुश्किल से मैंने गियर प्रोफाइल बनाया फिर उस पे मैं गियर चलाना चाह रहा हूं तो ये दूसरा तो अलग तो टेंशन आ गया कि यहां अब इसको कट करना शुरू कर दिया ठीक ना यहां इसको कट करना शुरू कर दिया अब उसका हो गया दिमाग खराब कहता है भागता हुआ बॉस के पास गया कहता है सर जी क्या हो गया सर जी एक ड्रॉबैक मिल गया प्रोफाइल में मैंने क्या हुआ कहता है इंटरफेरेंस हो गया ठीक है ना क्या हो गया इंटरफेरेंस हो गया एक गियर ने दूसरे गियर के मामले में इंटरफेयर कर दिया दोनों का लड़ाई झगड़ा हो रहा है दोनों की डिगिंग एक्शन चालू है दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं ठीक है सर जी तो बाहुबली वाला युद्ध शुरू हो गया भैया मेरे सुनो मेरी बात ठीक है ना सुनिएगा मेरी बात बॉस कहता है चल दिखा बॉस ने दिखा ना देखा बॉस कहता है काम कर कहता है क्या करें सर जी कहता है इंटरफेरेंस को दूर कर कहता है अच्छा तो कहता है कि इंटरफेरेंस को दूर कैसे करें सर जी कहता है सुन क्या करना है हमने कहा सर जी इंटरफेरेंस को कैसे दूर किया जाए तो बॉस कहता है कि एक काम कर इतने दूर के मटेरियल को ही काट के हटा दे क्या बात कर रहे हो कहता है तू गियर का प्रोफाइल बना उसके बाद घिसना शुरू कर काटना शुरू कर इतने इतने मटेरियल को ही कट करके हटा दे कहता है इससे क्या होगा कहता है करके दिखा लिखो ठीक है ना तो अब ये कट कर दिया सुनेगा ध्यान से एक बार ध्यान सुनिएगा कहानी बड़े प्यार से कहानी ठीक है ना ठीक है अब इसको क्या किया इसने कट कर दिया इतने मटेरियल को क्या कर दिया रिमूव आउट ही कर दिया कितने मटेरियल को रिमूव आउट करेगा ये सर जी जितने मटेरियल को ये क्या कर रहा है बेटा कट कर रहा है ठीक है ना कट करने की कोशिश कर रहा है उतने मटेरियल को ही वो क्या कर दिया बेटा हटा दिया रिमूव आउट कर दिया तो डियर इतने मटेरियल को क्या कर दिया रिमूव कर दिया रिमूव द मटेरियल ना। अब असिस्टेंट पूछता है बॉस से इससे क्या होगा सुनिए क्या ध्यान से असिस्टेंट पूछता है बॉस से इससे क्या होगा बॉस कहता है कि सुने क्या किया कहता सर मैंने मटेरियल हटाया तो बॉस कहता है ना रहेगा मटेरियल और ना काटेगा गियर ये तो वही कहावत हो गई ना ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी समझ में आया ये तो वही कहावत हो गई ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी ना रहेगा मटेरियल ना काटेगा गियर बिल्कुल सत्य बात <coughs> असिस्टेंट बड़ा खुश हो जाता है ठीक है एक मिनट पानी पी लू <coughs> सुनिएगा क्लास की टाइम सुनोगे क्लास की टाइम सुनोगे बेटा आपके लेक्चर यूट्यूब पर कितने बजे स्टार्ट हैं अरे बाबा डेली सुबह साढ़े नौ बजे होता है ठीक है देखते रहो तो ना रहेगा मटेरियल और ना काटेगा गियर बिल्कुल सत्य बात है तो भैया क्या करने वाले हैं भाई मेरे सुनते रहो ध्यान से यहां से गियर को कट कर दिया मटेरियल को कट कर दिया असिस्टेंट बड़ा खुश कहता है सर ये तो चमत्कार हो गया ये तो चमत्कार हो गया तो कहता है सर इंटरफेरेंस दूर हो गया सुनिएगा मेरी बात ध्यान से कहता है इंटरफेरेंस ठीक है ना क्या हो गया अवॉइड हो गया इंटरफेरेंस क्या हो गया दूर हो गया असिस्टेंट कहता है सर इस टेक्निक को क्या नाम देंगे आप अपने इतिहास में इस टेक्निक को क्या नाम देंगे सुनिएगा ध्यान से तो बॉस कहता है ये सुन कहते है क्या सर कहता है ये क्या है मैंने कहा सर ये टॉप लैंड है सुनिएगा ध्यान से मतलब ये टॉप सरफेस है अच्छा मतलब ये क्या है टॉप सरफेस है ये टॉप लेंथ तो कल ही बताया था ठीक ना कहता है ये टॉप सरफेस है मतलब बाहरी का सिरा जी सर ये बाहर का है जी सर ये क्या है सर जी ये अंदर का है समझना मेरी बात ये बाहर का है और यहां ये क्या है ये अंदर का है और अंदर में तूने क्या किया है मटेरियल की कटिंग अंदर में तूने क्या किया मटेरियल की कटिंग जी सर तो इसका मतलब है अंदर वाले हिस्से में तूने कटिंग किया इसका इसलिए इसका नाम रख दो अंदर में हुआ कटिंग अंडर कटिंग ठीक है ध्यान रखना इसका नाम रख दो अंडर कटिंग ठीक तो है सर असिस्टेंट बड़ा खुश असिस्टेंट मन ही मन ये सोच रहा है यार बॉस सीरियसली मैं देवता है देवता है कि जिसने मुझे ये बता दिया इंटरफेरेंस को दूर करना मैं तो परेशान हो गया था उसने एक चुटकी बजाई और इंटरफेरेंस दूर कर दिया वो न, मन ही मन सोच रहा बॉस देवता है सुनिएगा ध्यान से कहता है ठीक है भाई बॉस चला जाता है थोड़ी देर बाद क्या होता है असिस्टेंट गियर चलाना चालू करता है इतनी हाई पावर पे चला देता है कि उसको कुछ दिखता नहीं है खुशी का ठिकाना नहीं रहा और हाई पावर पे गियर चलाना चालू कर दिया उसने ना ताओ देखा ना ताओ दे गियर चलाना चालू कर दिया चार हजार पांच हजार आरपीएम पे चलाना चालू भाई साहब थोड़ी देर में गियर का टीथ टूट के पूरे लैब में फैल गया पूरी मतलब कुछ बचा ही नहीं है असिस्टेंट भागता हुआ आया था कहता बॉस ये कौन सा मेथड बताए जिससे इंटरफेरेंस हो गया लेकिन हमारा गियर का एक भी टीथ ना बचा क्या हो गया कहते होना ही था बॉस कहता होना ही था तो कहता होना ही था तो बताया क्यों भाई सुनिएगा ध्यान से कहते होना ही था कहते हुआ क्या सर गियर का टीथ टूट गया कहते होना ही था मेरे भाई जब तूने यहां से मटेरियल को रिमूव किया तो जाहिर सी बात है इसका स्ट्रेंथ क्या होगा स्ट्रेंथ क्या होगा कम हो जाएगा ठीक है ना किसका रूट का स्ट्रेंथ ठीक है ना रूट स्ट्रेंथ क्या होगा मेरे बच्चे ध्यान से सुनिएगा मेरी बात ध्यान से रूट स्ट्रेंथ क्या होगा कम हो जाएगा जी सर तो सर ये बात आप पहले नहीं बता सकते थे कहता मुझे भी कौन सा पता था अभी तू तो नहीं बताया कट गया टूट गया तो मैंने कोई ध्यान है अच्छा रूट का स्ट्रेंथ कम हो गया एरिया कम हो गया अच्छा कट किए थे ना ओके okay. ठीक है ना तो असिस्टेंट कहता है इसका मतलब इंटरफेरेंस को दूर करने का सबसे गंदा मेथड अगर कोई है तो कौन सा है अंडर कटिंग तो मेरे बच्चों आओ मैं आपको एक लाइन दिखाता हूं मैंने आपको यहां दिखाया हुआ है स्टेप टू एलिमिनेट इंटरफेरेंस ठीक है अब यहां थोड़ा सा ध्यान से देखना यहां मैंने एक पॉइंट लिखा अंडर कटिंग ऑफ टूथ देखा अब इसके जस्ट बगल में यहां जाओ और देखो यहां क्या लिखा है मैंने बकायदे चिपका हुआ है वर्स्ट अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूं डब्ल्यू ओ आर एस टी वर्स्ट केस सबसे गंदा केस कोई है तो पॉइंट नंबर टू है पॉइंट नंबर टू अंडर कटिंग सबसे बेकार मेथड है गियर को दूर करने का यस और नो यस और नो यस और नो यस और नो बताओ हाँ या ना, इतनी बात समझ में आ गई तो भैया अब अंडर कटिंग कर लिया भैया टूट टाट गया अब असिस्टेंट कहता है बॉस कहता है क्या हुआ अब करना क्या है ये बताओ कहते देख इंटरफेरेंस को दूर करने के और भी बहुत सारे मेथड हो सकते हैं क्या के क्या क्या हो सकते हैं बता दो तो बॉस ने इतने सारे मैथड बता डाले ठीक ना ये मेथड अपन तीसरे दिन पढ़ेंगे इंटरफेरेंस वाले क्लास टेंशन मतलब क्या कर सकते हैं ये बताओ दूर करना छोड़ो मेरे को ऐसा बताओ मैं ऐसा प्रोफाइल बनाऊ सुनना मेरी बात कहता असिस्टेंट कहता है एक चीज बताओ मुझे ऐसा प्रोफाइल बनाओ जिसमें कोई इंटरफेरेंस ही ना हो ठीक ना तो बॉस कहता है कि तेरे को ऐसा प्रोफाइल बनाना कहता है, हाँ कहता है तू ऐसा ही प्रोफाइल बनाएगा कहता अच्छा तू तो ऐसा ही बनाएगा बस एक काम कर इसको इनवॉल्यूट बनाने के बाद कट मत करना तो सेम टू सेम ऐसी प्रोफाइल कास्टिंग कर दे कहता कैसे कर दू मैं बिना कुछ जनरेशन के कैसे कर दू तो फिर बॉस अपना दिमाग लगाता है और सेम टू सेम ऐसा ही प्रोफाइल बनाता है सुनिएगा थोड़ा ध्यान से मेरे बच्चों ध्यान से सुनना ऐसा ही प्रोफाइल बनाता है बट इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और एक नया गियर जन्म लेता है जिसका नाम है साइक्लोइडल। अब आप थोड़ा सा साइक्लोइडल प्रोफाइल की तरफ चलिए साइक्लोइडल गियर बना के एक बार दिखा देता हूं साइक्लोइडल प्रोफाइल एक बार देख लो आप ठीक है ना प्रोफाइल में आपको क्या देखने को मिल रहा है ना यहाँ देखो ध्यान से ऊपर में एक कर्व है जी सर और नीचे एक कर्व साइक्लोइडल प्रोफाइल में दो प्रोफाइल होता है एक ऊपर और एक नीचे एक एक ऊपर और नीचे मेरे बच्चे ध्यान से एक अपर मोर पास्ट नीचे होता है इनवोल्यूट में कितना कर्व था तो इनवॉल्यूट में एक कर्व था यहां कितना कर्व है? यहां दो कर्व है। एक ऊपर और एक नीचे अब यही प्रोफाइल में जा रहा हूं बनाने दिस इज द साइक्लोइडल ठीक ना अंडर कटिंग होने के बाद यह दिमाग आया कि ना ऐसा नहीं करना है हमें ऐसा जनरेशन करना तो अब हम गए जनरेट करने किसको साइक्लोइडल को तो मेरे बच्चे थोड़ा ध्यान से सुनना साइक्लोइडल को जनरेट करने गए तो क्या हुआ साइक्लोइडल जनरेट कैसे होता है पर ध्यान से देखो एक फोटो आपको दिख रहा है जी सर दिख रहा है आपको इस फोटो में क्या दिख रहा है सर जी एक सर्किल है जो सीधी लाइन पे इस पे सीधी लाइन पे ये सर्किल चल रही है ठीक है ना और इस सर्किल पे मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया जी सर इस सर्किल पे मैंने क्या क्या पॉइंट कंसीडर किया देखो मेरे पास है एक सर्किल मेरे पास भी एक सर्किल है मैं आपको बना के दिखाता हूं बेटा ऐसे नहीं देखो मैंने क्या करना है मैंने इस पर एक पॉइंट डिनोट कर लेना है ठीक है, दिख जाए बस आप लोगों को पॉइंट ठीक है सुनो मेरी बात मैंने इस सर्किल पे एक पॉइंट यहां, यहां नोट कर दिया है ठीक है अब मैं क्या करूंगा ना सुनना ये ऐसे अब मैं इसको ऐसे रोटेट करा रहा हूं देखो ये सारा प्रोफाइल ऐसे ही बन रहा देखो ध्यान से, ये ऐसे गया यहां टच हुआ और फिर ये ऐसे रोटेट होगा अगले पाथ के लिए मतलब इस डिस्क के ऊपर अगर इस डिस्क को मैं ऐसे हाथ पे रखूं सुनिएगा ठीक है ना और ये पॉइंट जो है ना जिसपे मैंने ब्लैक कलर लगाया अभी आपको शायद दिख रहा है कि नहीं आई डोंट नो ठीक है ना ये देख लेना यहाँ लगाया मैंने इसको इस पे रखू और इसको मैं ऐसे रोटेट कराऊं तो यहाँ एक प्रोफाइल का जनरेशन हो रहा है तो मेरे बच्चे ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना बस मजा आने वाला है मजा आने वाला है साइक्लोइडल का हर एक क्वेश्चन जुबान पे आने वाला है और मजा आने वाला है बस ध्यान से रखना पहला क्वेश्चन का कि प्रोफाइल लेकिन कहीं कहीं देखते हो सर्किल अरे नहीं रे बाबा सर्किले बनता नहीं रे कह रहा हूं ना जितना बोल रहा हूं उतना ध्यान रखो साइक्लॉडल प्रोफाइल किस पे बनता है तो स्ट्रेट तो बन बन लाइन पे वो स्ट्रेट लाइन कैसा होना चाहिए अरे यार कॉमन सेंस है यार फिक्स स्ट्रेट लाइन होना चाहिए कैसा फिक्स ये अगर इधर उधर घूमना शुरू कर दे तो बवाल मच जाएगा तो फिक्स स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक प्रोफाइल का जनरेशन करता है जिसको हम कहते हैं साइक्लोइडल। अब यहां दो कर्व का जनरेशन होता है मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से बताता हूं ठीक है ना यहां मैंने एक डिस्क रखा देखना ध्यान से मैंने यहां एक डिस्क रखा ठीक है ना अब मैंने यहां एक पॉइंट लिया ठीक है शायद ये ऐसे नहीं होगा तो यू कैन सी दिस ठीक ना यहां मैंने एक डिस्क रखा और इस डिस्क को मैं रोटेट कराऊंगा ठीक है ऐसे करके रोटेट कराऊंगा डियर जब मैं इस डिस्क को रोटेट कराऊंगा ठीक है सेकंड जब मैं इस डिस्क को रोटेट कराऊंगा डियर तो यहां एक प्रोफाइल का जनरेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा इतना तो इस फिगर में भी दिख रहा है जी सर इसके बाद सर तो इसके बाद फिर से यही प्रोफाइल बन जाएगा आया ना, आया ना, सेम टू तो सेम बनेगा और क्या, ठीक है कितने तक बन रहा है ये प्रोफाइल सर जी टू पाई एंगल तक बनेगा 360 डिग्री में एक रोटेशन पूरा हो जाएगा ना जीरो से लेकर 360 डिग्री जी सर सुनिएगा बेटा इस वाले प्रोफाइल को तो ऐसे ही रखूंगा इस वाले प्रोफाइल का मिरर इमेज बना समझ में आई बात इस वाले प्रोफाइल का मिरर इमेज बनाऊंगा इसको मिरर कह लो या वाटर इमेज जो कहना तुम तुमको कह लो कोई दिक्कत नहीं ए, पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी ये है मेरा रास्ता एक प्रोफाइल का जनरेशन हुआ है जिसको हमने क्या बोला साइक्लोइडल प्रोफाइल अब कुछ बच्चे सोच रहे अरे इसे कैसे बन जाता है अभी दिखाते हैं अभी दिखाते हैं अभी, अभी लीजिए आप इतनी बात क्लियर है पहले ही बताइए यहां दो कर्व का जनरेशन हो रहा है। दो कर्व का जनरेशन हो रहा साइक्लोइडल जनरेशन कर रहे हैं बेटा ध्यान से देखो जब हमने दो कर्व का जनरेशन किया तो हमें एक दिखा एक ऊपर वाला कर्व एक नीचे वाला कर्व जी सर ऊपर वाला कर्व और नीचे वाला कर्व जब हमने ये देखा तो इसका नाम रखा क्या नाम रखा इसका नाम रखना है अब मुझे है ना और सुनने की कोशिश कीजिएगा अब जैसे जैसे किसी का नाम रखते हैं ठीक है ना तो उसके अंदर वो गुण है उसी हिसाब से नाम रख दिया जैसे आ, अच्छा तुम्हारा चेहरा अमिताभ बच्चन की तरह लग रहा है अच्छा तुम्हारा नाम अमिताभ बच्चन जी है ठीक है तुम्हारा चेहरा अच्छा शाहरुख खान की तरह लग रहा है अच्छा तुम्हारा नाम आज शाहरुख है मैं बात बता रहा हूं मतलब चीजों को देखा अच्छा ऐसा था तो उसी की तरह रख दिया अच्छा तेरा चेहरा दादाजी के पे गया ना तेरा 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 नाम भी दादाजी के नाम पे रखा जाएगा बात समझ में आ रहा है ठीक है पापा के ऊपर पापा के के नाम मिक्स करके दे दो। बात समझ में आ रहा है? चीजों को देखो ध्यान से ये ये क्या है? ये किसी प्रोफाइल का जनरेशन हो रहा होगा उसकी तरह दिख रहा है उसका इस पे नाम रख देंगे अब देखो ध्यान से सर्किल के ऊपर जो भी प्रोफाइल बनता है लाइन के ऊपर जो भी प्रोफाइल बनता है उसको हम कहते हैं एपी साइक्लिक देखो लाइन के ऊपर जो भी प्रोफाइल का जनरेशन होता है उसको हम कहते हैं एपीसाइक्लोइडल लाइन के नीचे जितने भी साइकिल का प्रोफाइल बनता है जितना भी लाइन के अंदर वो सब होता है हाइपोसाइक्लोइडल इसका नाम रखा गया मेरे बच्चे ध्यान से देखते रहो इसका नाम रखा गया क्या इसका नाम रखा गया एपी इसका नाम रखा गया हाइपोसाइक्लोइडल ठीक है ना आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अपर पार्ट अपर मोर पार्ट ऑफ द साइक्लोइडल गियर इज व्हाट एपी लोअर या इनर या बॉटम ठीक है ना उसको कहेंगे हम हाइपो सर इसको याद करने की कोई ट्रिक बिल्कुल है बेटा क्या है सर अरे बेटा है ना देखो ना हाइपो वर्ड से सब क्लियर है सब याद हो जाएगा वर्ड का नाम है हाइपो अच्छा तुम्हारा एक दोस्त किसी दिन बोला तुमने कि यार पार्टी दे दे और उसने बहुत गंदा मजाक कर दिया एक अप्रैल को बुलाया पार्टी में और पार्टी भी ना दिया कहता है अप्रैल फुल तुम क्या हो गए उसके ऊपर हाइपर हो गए तुम क्या हो गए हाइपर हो गए हाइपर का मतलब क्या होता है एकदम गुस्सा आ जाना एकदम हाइप हो जाना ऊपर अब तुम्हारा गुस्सा जो है इस लेवल पे और हाइपो का मतलब क्या होता है डाउन ठीक है ना हाइपो का मतलब क्या होता है डाउन बॉटम दैट्स इट ठीक ना हाइप एपी एपी तो अपने आप आ जाएगा इसको हाइपर मत कर देना हाइपर साइक्लोडल मत बोलना इसको एपी साइक्लोडल बोलना है ये हाइपो है हाइपो डाउन दैट्स इट समझ में आई बात समझ में आई बात एपी साइक्लोडल कैसे बनता है और हाइपो साइक्लोडल कैसे बनता है देखो ध्यान से मैं आपको इसका जनरेशन भी दिखाता हूं एक बार आप लोग सेशन को लाइक like कर दीजिएगा फिर मैं आपको दिखाता हूं देखो किसी एक सर्किल के ऊपर एपी साइक्लोडल क्या होता है इससे इससे साइक्लोडल नहीं बना है मैं बार बार बोल रहा हूं इससे साइक्लोडल नहीं बना है ये वो दादाजी हैं जिसकी तरह ये बच्चा दिख रहा है बात समझ में है? उसके नाम पे रखा गया ठीक है ना तो आप लोग इसको देखकर मत बोल देना कि सर्किल के ऊपर रखा गया ना? ना, ना ना ये तुमने मशीन ड्रॉइंग में भी पढ़ा हुआ है मशीन ड्राइंग अगर तुम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें नॉन टेक में तुम्हें ये चीज पढ़ने को फिर से मिलेगा देखो ध्यान से क्या होता है आई हो। सर्किल के ऊपर रोटेट कर रहे हैं थोड़ा ध्यान से देखना देखो यहां से पकड़ा सर्किल को अंदर घुमा रहे हैं। बेटा ये ना भारत में बहुत फेमस है अरे इससे हम लोग क्या जो महिलाएं होती हैं इससे वो आजकल उन वगैरह बिना जाता है या कलाकृति की जाती है आपने देखा होगा कई जगह इसको ऐसे पेन लगाते हैं और ये घुमाना चालू करते हैं और बड़ा बढ़िया सा डिजाइन बन के बाहर आता है ठीक ना इसके अंदर एक पेन रखो और एक सर्किल के अंदर ऐसे रोटेट कराते रहो एक बढ़िया डिजाइन बनेगा वो सब हाइपो का खेल है ठीक है ना एपी और हाइपो बात समझ में आ गया ठीक ना एपी क्या होता है एबव एब फिक्स लाइन ठीक है ना हाइपो क्या होता है बॉटम बॉटम बिलो बिलो बॉटम बॉटम ध्यान रखना और ये क्या है टॉप ध्यान रखना मैं बता रहा हूं टॉप एबव जो भी वर्ड आए बॉटम बिलो जो भी वर्ड आए बस ध्यान रख ठीक है ना देखो साइक्लोडल जनरेशन सर्किल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस क्या है इसके बाद थोड़ी सी बात बता देता हूँ देखो साइक्लोइडल का जो जनरेशन होता है उस सर्किल की इंपॉर्टेंस क्या है मैं थोड़ी सी चीज बता देता हूं दो तीन पॉइंट्स है फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं पहले इसके बारे में एक सेकेंड रोकते हैं फिर मैं आपको बताता हूं यहाँ एक वर्ड लिखा है फील आपको ये दिख रहा है फील फील दिख रहा है इस पेज से आपको एक फील आएगा मैं अभी आपको देता हूं आपको फील देता हूं उससे पहले मैं आपको यहां एक चीज बताना चाहूंगा ऊपर वाला क्या है नीचे वाला क्या है सर डिस एपी साइक्लोइर दिस हाइपो साइक्लोइर ये एपी है और ये क्या है हाइपो है आर यू गेटिंग माय पॉइंट और ये क्या है बीचो बीच इज द पिच लाइन ठीक है ना ये आप इसको कह सकते हो पिच सरकेल. ये क्या है पिच सर्किल ठीक है और ऊपर वाला पार्ट क्या होगा इज द एडेंडम सर्किल और यहां से जो जा रहा है सिद्धा एडेंडम सर्किल इतना क्लियर है देख लो एक बार सर टच पॉइंट से प्रोफाइल लेगा नहीं टच पॉइंट तो बेस सर्किल पे होता है उसे जस्ट ऊपर से लेते हैं प्रोफाइल टच पॉइंट से प्रोफाइल नहीं लिया जाता है हमेशा ध्यान रखना ठीक ना क्या होता है उसने क्या बोला मैं आपको बताता हूं इस पॉइंट से कभी प्रोफाइल नहीं लिया जाता ऊपर वाले पॉइंट से लिया जाता है है ना एक सर्किल छोड़ी जाती है इसके ऊपर हम लोग बनाते हैं दिस इज द डिडेंडम सर्किल दिस इज द बेस दर्किल दिस इज द देश सर्किल टच पॉइंट से नहीं लेते तो, थोड़ा सा ऊपर रखते हैं ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एपी साइक्लोडल हाइपोसाइक्लोडल समझ गए क्यों बना देखो मैंने आपको क्या क्या सिखाया मैं आपको बताता हूं मैंने आपको सिखाया फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी दिस सी दिस गाइस मैंने आपको सबसे पहले सिखाया देखो इनवॉल्यूट प्रोफाइल बना जी सर साइक्लो इनवॉल्यूट के अंदर ड्रॉबैक आया जी सर अंडर कटिंग हुई जी सर अंडर कटिंग को हटाने के लिए मैंने सोचा एक नया प्रोफाइल बनाते हैं तो की तरह ही दिखने वाला एक प्रोफाइल का जनरेशन करना चाह रहे थे जिसमें यहां थोड़ा कम थोड़ा कम मटेरियल हो हो ऊपर ज्यादा चलेगा ठीक ना तो डियर इससे क्या होगा इसकी मेटल कटिंग भी नहीं होगी और इसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं होगा तो कहते हैं साइक्लोइडल प्रोफाइल में इंटरफेरेंस नहीं होता दुनिया का सबसे महंगा गियर अगर कोई है तो वो साइक्लॉइडल सबसे महंगा ध्यान रखना ठीक है इसके अंदर कोई ड्रॉबैक नहीं है ठीक है ना महंगा ध्यान रखिएगा इन सस्ता है रीजन है क्योंकि इन में एक कर्व है यहां कितने कर्व हैं दो कर्व हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग करना टफ है क्योंकि यहां दो कर्व हैं इसके लिए ये सब चीजें समझनी पड़ेंगी आपको ठीक है ना इसकी मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी सी टफ है ना और इनवॉल्यूट की आसान है क्योंकि सीधे तो ड्रॉ खींचना है टेंजेंट समझ रहे हो ना तो इनवोल्यूट की आसान है मैन्युफैक्चरिंग मैन्यूफेक्ट सस्ता है अब क्वेश्चन ये आता है हमारे इतिहास में कि अगर इनवोल्यूट हमारा सस्ता है साइक्लाइडल हमारा महंगा है तो हम इनवोल्यूट को ज्यादा यूज क्यों करते हैं ठीक ना इनवोल्यूट के अंदर ड्रॉबैक है साइक्लोइडल के अंदर ड्रॉबैक नहीं है फिर भी हम इन को यूज करते हैं रीजन क्या है इकोनॉमिक कॉस्ट पहला चीज इनवोल्यूट सस्ता है इसलिए यूज करते हैं दूसरा रीजन के अंदर वो इंटरफेरेंस जो है ना उसको दूर कर सकते हैं बहुत सारे मेथड है ठीक ना मैं आपको वो चीज दिखा देता हूं के अंदर एक मेथड आया जिसका नाम था इंक्रीज द नंबर ऑफ टीथ ठीक ना अगर मैं नंबर ऑफ टीथ बढ़ा दू कितना बढ़ाऊं तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि पिनियन के ऊपर कितना बढ़ाऊं गियर के ऊपर कितना बढ़ाऊं ठीक ना ये नंबर ऑफ टीथ का डेरिवेशन मैं आपको कराऊंगा कहते हैं इनवॉल्यूट के ऊपर अगर आप इन सब प्रोफाइल इस, इस फॉर्मूले को लगाओगे और नंबर ऑफ टीथ देखोगे कितना टीथ बढ़ाना है गियर के ऊपर और कितना टीथ बढ़ाना है पिनियन के ऊपर या कितना टीथ बढ़ाना है रैक और पिनियन के ऊपर अगर आप ये चीज जानते हो इनवोल्यूट का सबसे बेहतरीन मेथड अगर कोई है तो यही दिस इज द बेस्ट मेथड टू अवॉइड इंटरफेरेंस इन में ये मेथड लगाते हैं इन में ये मेथड लगाते हैं इंटरफेरेंस दूर करते और involute ही यूज करते हैं क्योंकि इन सस्ता है आर यू गेटिंग पॉइंट इतनी बात क्लियर हुई इतनी बात क्लियर हो गई ध्यान से देख लो ठीक है ना अब मैं थोड़ी सी बात करने वाला हूं यस साइक्लोइडल गियर प्रोफाइल और इनवॉल्यूट गियर प्रोफाइल के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस पहले देखें देखिएगा साइक्लोइडल इनवोल्यूट ध्यान से प्रेशर एंगल रिमेन सेम थ्रू आउट द ऑपरेशन कॉमन सेंस है क्यों क्योंकि एक कर्व है क्यों एक कर्व है अब वो कर्व कैसा है सर Convex. और इजियर टू मैन्युफैक्चर है जी सर आओ ठीक है ना अच्छा टीत कैसा है सर जी वीकर है टीत वीक होता है इसका इनवोल्यूट का टीत थोड़ा क्या होता है वीक होता है अच्छा यहां साइक्लोइडल आ, पहले बात तो यहां आओ डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर ये कह रहा है इजी टू मैन्युफैक्चर ये क्या होगा साइक्लोडल का डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर अगर आपको कोई भी लाइन ना समझ आए तुरंत पूछिएगा ठीक है ना डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ हाइपोसाइक्लोडल एपी डिफिकल्ट क्यों है क्योंकि हाइपो और एपी दोनों बनाना है ठीक है ना अच्छा देयर इज नो इंटरफेरेंस और यहां इंटरफेरेंस होगा इसमें इंटरफेरेंस होगा देखो इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस, ठीक है अच्छा इसका टीथ वीक होता है इसका टीथ स्ट्रॉन्ग होता है जी सर अच्छा अब और लेकर चलता हूं देखो प्रेशर एंगल रिमेन सेम थ्रू आउट जी सर मतलब यहां फाइव जो होता है कांस्टेंट होता है पूरे प्रोफाइल इन में फाइव कांस्टेंट होता है पूरे प्रोफाइल में तुम कहीं भी धक्का दो प्रेशर बराबर लगेगा हर जगह लेकिन साइक्लोइडल में क्या है प्रेशर को टाइम लगता है चेंज होने में यू कैन सी दिस मैं थोड़ा सा इसको इससे करता हूं हाँ. प्रेशर एंगल ऑन चेंजिंग ड्यूरिंग द ऑपरेशन पूरी ऑपरेशन में प्रेशर एंगल चेंज होता है कब कब होता है ये भी देख लो कब कब होता है ये भी देख लो द एंगल इज मैक्सिमम एट द स्टार्ट एंड द एंड एंगल जो होता है हो बेटा मैक्सिमम होता है स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे बट पिच पॉइंट पे क्या होता है जीरो बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको तुरंत नोट कर लो कहीं करना हो तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि साइक्लोइडल के अंदर पिच पॉइंट जीरो प्रेशर एंगल क्या होता है भैया कॉन्स्टेंट ठीक है ना अंदर स्टार्टिंग और एंड में मैक्सिमम प्रेशर एंगल एंगल इज मैक्सिमम एट द स्टार्ट एंड द एंड ठीक है ना मतलब मतलब सुनना मेरी बात यहां प्रेशर एंगल ज्यादा है यहां प्रेशर एंगल ज्यादा है बट इस पॉइंट पे प्रेशर एंगल क्या है जीरो आर यू गेटिंग माय पॉइंट यहां प्रेशर एंगल ज्यादा होगा हो। यहां प्रेशर एंगल ज्यादा होगा इस पॉइंट प्रेशर एंगल क्या होगा जीरो यार सही है ना यार ये तो फील है ना ये तो सही है ना यार क्या सर कैसे सही है सुनो मेरी बात जब भी दो गियर रोटेट करता है मेरे भाई जब भी दो गियर मोशन लेता है तो गियर का एक पॉइंट कॉन्टेक्ट होता है जी सर उसको हम क्या कहते हैं दिस इज दिच पॉइंट जी सर बेटा जब दो गियर आपस में टच करता है किसी पॉइंट पे तो आप क्या चाहते हो कि उस पॉइंट पे भी एक प्रेशर क्रिएट हो नहीं सर अगर उस पॉइंट पे प्रेशर क्रिएट होगा तो फिर गियर टच क्यों करेगा समझ लो बात स्टार्टिंग और एंड पे प्रेशर एंगल लग जाए प्रेशर लगे क्योंकि देखो स्टार्टिंग और एंड में ही प्रेशर चाहिए होता है हमें आप अपने दो उंगली को लो ऐसे स्टार्टिंग और एंड पे ही आपको प्रेशर चाहिए आपको बीचों बीच प्रेशर नहीं चाहिए साइक्लोइडल गियर यह चीज हमें करके देता है अब जीरो क्यों होता है अब आपके भी मन में आ रहा होगा जीरो क्यों होता है तो बेटा जीरो क्यों होता है उसके जवाब के लिए मैं आपको यहां लेकर चलूंगा देख लो इस पॉइंट पे जीरो क्यों होता है यहां से चीजें चेंज होती हैं मतलब एक सर्किल एक जीरो से लेकर टू पाई कंप्लीट करने के बाद फिर से स्टार्ट होता है तो इस पॉइंट पे कॉमन सेंस हमारा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा क्योंकि प्रोफाइल चेंज होता है प्रोफाइल चेंज हो रहा है तो जीरो बनेगा ठीक है ना और इनवॉल्यूट में जीरो क्यों नहीं होता इनवॉल्यूट में कॉन्स्टेंट क्यों होता है बताता हूं इनवॉल्यूट में एक ही प्रोफाइल है ऊपर से नीचे तक तो बेटा जीरो से लेकर टू पाई के बीच में तो एक ही प्रोफाइल है ना ना तो बेटा यहां प्रेशर एंगल कहां कहां होगा कर्व कहां चेंज कहांगल तो जीरो प्रेशर एंगल पूरा सेम होता है इन वोल्यूट के अंदर प्रेशर एंगल सेम होता है इसका भी एक ड्रॉबैक है मैं आपको बताता हूं प्रेशर एंगल कॉन्स्टेंट होने का भी एक छोटा सा ड्रॉबैक है रीजन क्या है जब गियर घूमता है ना तो मतलब अनएथिकल एक प्रेशर जनरेट होता है एक अनएथिकल प्रेशर पिच पॉइंट पे लगता ही लगता है जिसके कारण गियर में क्या होता है गियर चलने के बाद भी जैसे गियर अगर रुक भी रहा है ना तो गियर रुकते समय भी ऐसे ऐसे, ऐसे 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 हिलते रहता है फिर थोड़ी देर के बाद गियर रुकता है ठीक है ना इनवोल्यूट जनरेटेड गियर ध्यान रखिएगा चीजें फील हो रही है चीजें फील हो रही है एक बार बता दो एक बार बता दो तुरंत बता दो फील हो रहा है फील करो चीजों को फील करो जितना ज्यादा ज्यादा फील करोगे उतना मजा आएगा फील करो फील करो फील करो फील करो चीजों को जितना ज्यादा ज्यादा फील करोगे ना उतना मजा आता है बेटा सच्चाई ठीक है ना इनवोल्यूट का सिंगल प्रोफाइल ठीक है अच्छा आगे आते हैं तो यहां आते हैं टीथ स्ट्रॉन्ग टीथ वीक डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर इजी टू मैन्युफैक्चर हाइपो एपी अच्छा यहां क्या होता है इनवोल्यूट में कॉन्वेक्स सरफेस तो जाहिर सी बात है इसके अंदर कॉनवेक्स कॉनकेव दोनों होगा क्यों क्योंकि हाइपो और एपी दोनों है तो कॉनवेक्स कॉनकेव दोनों होगा बोलो हाँ या ना यस और नो? तो इसके अंदर कॉनवेक्स कॉनकेव दोनों होगा ये यहां लिखा नहीं है लेकिन आप लोग जोड़ो पॉइंट कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों होगा कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव दोनों सरफेस बनेगा क्योंकि दो प्रोफाइल है भाई बिल्कुल अच्छा 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 एक चीड़, एक चीज एक चीज बहुत ही जबरदस्त वाला पॉइंट इनवॉल्यूट का एक फायदा सुनेगा अच्छा सुनिएगा फायदा भी है और साइक्लोइडल का एक नुकसान भी है ठीक है ना कोई भी चीज पूरा परफेक्ट नहीं होती है मैं आपको दिखाना चाहूंगा साइक्लोइडल के अंदर एक छोटा सा ड्रॉबैक है मैं आपको बताता हूं इनवॉल्यूट का फायदा क्या है वेलोसिटी ज नॉट अफेक्टेड ड्यूरिंग द वेरिएशन ऑफ सेंटर डिस्टेंस सेंटर डिस्टेंस अगर दूर करो ना सर वॉट इज देंटर डिस्टेंस दो गियर है जी सर, ये उसके बीच का क्या है सेंटर डिस्टेंस अब आप क्या करिए मैं आपको जो कहता हूं आप वो करिए अपने घर पे बैठे हैं आप लोग वही करिए जो मैं आपको कहता हूं सुनिए अपनी आप अपनी उंगलियों को सामने कीजिए अब इन दोनों उंगलियों को आपस में ऐसे फंसाइए, जी सर फंसा लिए ठीक ना फंसाने के बाद आप ये सोचिए अब आप ये सोचिए कि ये वाला ससुराल ये सेंटर है क्या दिस इज सेंटर ऑफ गियर एंड दिस इज दिस इज द सेंटर ऑफ पिनियन ओके अब आप इन दोनों को ऐसे मर्ज कर दीजिए जी सर कर दिए अब मैं आपसे पूछता हूं हाथ के इस सेंटर से लेकर हाथ के इस सेंटर तक की डिस्टेंस को क्या कहेंगे तो आप कहोगे कि सर इसको कहेंगे आप क्या कहोगे? सर इसको हम आया ना आप कहोगे इसको हम कहेंगे सेंटर डिस्टेंस हम कहेंगे ठीक है अब हम आपसे कह रहे हैं कि गियर को घुमाइए तो आप बड़े ही आसानी से घुमा लोगे जी सर घुमा लेंगे उंगलियों को ऐसे नोगे जी सर घुमा लेंगे अब मैं आपसे कहता हूं कि बाबूजी थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाइए तो आप क्या करेंगे दोनों हाथ की गैपिंग को ऐसे बढ़ाएंगे आप क्या कर रहे हैं दोनों हाथ की गैपिंग को ऐसे बढ़ा रहे हैं बात समझ में आ रहा है आप अपने दोनों हाथ की गैपिंग को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं जब आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो आप क्या बढ़ा रहे हैं सेंटर डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं ठीक है या 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 हम कहेंगे कि सेंटर डिस्टेंस थोड़ा घटाइए तो आप अंदर दबा देंगे इसको हाथ को आप अंदर दबा देंगे हाथ को सेंटर डिस्टेंस बढ़ाने को कहेंगे हाथ बाहर सेंटर अंदर मतलब गियर बाहर गियर अंदर हाँ या ना, आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं बिल्कुल सर तो सेंटर डिस्टेंस बढ़ा और घटा दोनों सकते हैं जी सर बिल्कुल मेरे बच्चा सुनना इन प्रोफाइल में जब आप सेंटर डिस्टेंस बढ़ाए तो आप यहां आ गए जी सर अब आप मैं कहूंगा गियर घुमाइए तो आप फिर भी आप ऐसे ही घुमाएंगे बड़े आसानी से आपका हाथ घूम जाएगा गियर घूम जाएगा इनवॉल्यूट प्रोफाइल में सेंटर डिस्टेंस बढ़ा और घटा सकते हैं वेलोसिटी पे कोई चेंज नहीं होगा उसका रीजन क्या है मैं आपको फील कराता हूं सुनिएगा अपनी हाथों में देखिए आप आप यहां हाथ रखिए जहां एकदम फिक्स है यहां अब यहां रोटेट कराइए बड़े मजे से होगा जी सर थोड़ा सा दूर करिए फिर भी घुमाइए बड़े मजे से होगा जी सर फिर थोड़ा अंदर करिए फिर घुमाइए फिर बड़े मजे से कहीं भी हाथ कहीं भी कितना भी सेंटर डिस्टेंस हो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा वेलोसिटी रेशियो वही का वही रहेगा चेंज नहीं होगा जी सर बात समझ में आ रही है लॉ ऑफ गियर हमें क्या कहता है आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको लॉ ऑफ गियर हमें कहता है कि वेलोसिटी रेशियो क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए ओमेगा ओमेगा टू क्या होना चाहिए कॉन्स्टेंट अरे दादा हमें तो वही तो बता रहा है इनवोल्यूट तो लॉ ऑफ गियर के अनुसार इनवॉल्यूट प्रोफाइल को हमारा सेल्यूट है जी सर लॉ ऑफ गियर के अनुसार इनवॉल्यूट प्रोफाइल को हमारा सेल्यूट है क्योंकि ये वो बच्चा है जो कहीं भी इधर उधर टहल ले, लेकिन इसका वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट कांस्टेंट ओमेगा वन ओमेगा अपॉन मेरे भाई ये तो गियर है ये तो मजेदार गियर है जी सर मतलब ये वो बच्चा है जो घूमता फिरता भी रहता है और एग्जाम में नंबर हर बार इसके नब्बे आते हैं सौ में से समझ रहे हो बात समझना तो इनवॉल्यूट में ऐसा क्यों होता है ये रीजन ढूंढने हम गए तो जानते हो क्या पता चला आपकी उंगलियों में भी एक ही प्रोफाइल है और इनवॉल्यूट में भी एक ही प्रोफाइल है जी सर उंगली उंगली भी तो आपकी सीधी है कहीं से टेढ़ी है क्या ऐसी अगर ऐसी उंगली होती तो फंस जाती ना बात समझ रहे हो सिंगल प्रोफाइल होने की वजह से इनवॉल्यूट को ये फायदा मिल जाता है कि ये सेंटर डिस्टेंस बढ़ाओ चाहे घटाओ इसका वेलोसिटी रेशियो चेंज नहीं होने वाला और मैं लिख के देता हूं स्टाम्प पेपर पे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आता रहेगा इनवॉल्यूट का अकेला एक एडवांटेज जो साइक्लोइडल को पीछे कर गया वो यही था अकेला ऐसा एडवांटेज जो साइक्लोइडल को पीछे कर गया वो यही था यही एडवांटेज था इतना खतरनाक एडवांटेज है कि गियर मान लो चलते, चलते ड्यू टू वाइब्रेशन आगे पीछे हो रहा है ठीक ना ड्यू टू वाइब्रेशन आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, आगे पीछे। कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है लेकिन हमारा वेलोसिटी रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फील हुआ बोलो हाँ या ना जब हम गए भैया साइक्लोइडल के पास किसके पास साइक्लोइडल के पास हमने कहा भाई आपके अंदर अगर वाइब्रेशन होगा तो क्या करेंगे कहता हमारे अंदर वाइब्रेशन होगा तो हमारा तो ठहरा दो दो प्रोफाइल एक प्रोफाइल तो है नहीं हमारा कितना प्रोफाइल है दो प्रोफाइल तो भैया जब एक प्रोफाइल दूसरे प्रोफाइल में जाता है ना तो इनका इंटरलॉकिंग हो जाता है तो ये चाह कर भी अपना सेंटर डिस्टेंस बढ़ा नहीं सकते जितना हो गया सो हो गया उतने पे ही नाचेगा बात समझ रहे हो ठीक है ना ये चाह कर भी अपना सेंटर डिस्टेंस बढ़ा नहीं सकते नो यस और नो यस और नो जल्दी बताओ आकाश बेटा मैं डेली का डेली नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं किस नींद में सोए हो उठो बेटा थोड़ा मुंह पे पानी डालो नींद खुलेगी टेलीग्राम चेक करो नहीं कर पाते हो एक वीडियो बनाया है कि कैसे मेरा नोट्स पा सकते हो टेलीग्राम में फाइल में जाइए फाइल में जाकर क्लिक करिए वहां सारा दिखेगा आप लोग चैटिंग में ही ढूंढते रहते हैं चैटिंग में मत ढूंढा करो अपना नोट्स सीधे टेलीग्राम में एक ऑप्शन है फाइल सेक्शन का जैसे व्हाट्सएप में जाते हो ना फाइल में व्हाट्सएप में जाते हो ना मीडिया सोर्स में आप सीधे जाकर कोई फोटो या कोई फाइल ढूंढ लेते हो वैसे टेलीग्राम में जाया करो काहे चैटिंग में ढूंढते रहते हो कहाँ गया भाई वो डाउट क्लियरिंग ग्रुप है सौ बच्चे डाउट पूछते हैं उसके बीच में तुम्हारा नोट्स कहाँ गायब हो गया तो फाइल में जाया करो सीधे ठीक ना कोई भी नोट्स चाहिए हो तो और फिर वहां देखो और फिर जाके टीचर को ब्लेम करो कि सर आपने नोट्स नहीं दिया ठीक है ना डेली डेली बेटा क्लास खत्म होने के जस्ट आधे घंटे के अंदर नोट्स पहुंच जाता है आपको ध्यान रखिएगा हाँ मैं क्या कह रहा था साइक्लोइडल के पास गया मैंने कहा भैया आप घूमोग कहते हैं मेरे पास दो प्रोफाइल है मैं तो लॉक हो जाऊंगा मैं कहाँ से सेंटर डिस्टेंस बढ़ नहीं पाएगा चलिए आइए

मतलब गियर इतना वाइब्रेट कर जाए कि गियर ये इतना आखिर टच हो जाए ऐसा तो नहीं होता ऐसा तो नहीं होता जी सर नहीं होता तो ये जो एडवांटेज था ना ये एक ऐसा एडवांटेज था जिसका कोई यूज नहीं था ज्यादा ज्यादा यूज नहीं था ठीक है ना यस और नो यस और नो देखो बेटा एक चीज बताते हैं जो बच्चे लाइव ले रहे हैं ना वो मेरे सुप्रीम बच्चे हैं जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो अच्छे बच्चे हैं ठीक है क्योंकि आप रिकॉर्डेड देख रहे हो आपको फील नहीं आ रहा है आपको फील नहीं आ रहा मैं बता रहा हूं ना आपको फील नहीं आ रहा है दो मिनट का एक घंटे का क्लास होता है आई थिंक एक से डेढ़ घंटे का क्लास होता है मुश्किल से दो घंटा पहुंचा देता हूं ज्यादा से ज्यादा नहीं तो डेढ़ घंटे की क्लास के लिए अगर आप इंटरनेट बचा रहे हो तो वो गलत कर रहे हो क्योंकि हो सकता है इन सब वर्ड में आपका कोई एक डाउट आ जाए और आप वो डाउट टेलीग्राम पे पूछो हो सकता है क्लियर हो जाए हो सकता है ना हो ठीक है ना जैसे कल एक बच्चा क्या करता है पूरा टोम पढ़ाने के बाद गियर में साइक्लोइडल प्रोफाइल पे आने के बाद वो बच्चा आज वो क्या क्वेश्चन पूछता है आज वो क्वेश्चन पूछता है ये कि सर जी इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बता दीजिए ठीक है ना उसको ये डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं आता मैं लिख के देता हूं ये बच्चा रिकॉर्डेड देखा होगा मैं लिख के देता हूं ये बच्चा रिकॉर्डेड देखा होगा ठीक है ना इसको इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं आता है ठीक है ना वो रीजन यही है कि वो अपना इंटरनेट 50 एम बी बचा कर खुश है टू एक्स की स्पीड में पढ़ के खुश है पूरा मत मानना सच्चाई यही है ठीक है ना सच्चाई यही है मेरे बच्चे अगर आप लाइव नहीं आ सकते तो आप नहीं कर सकते आपको फिर यही सब डाउट आएगा सर इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम इसको देखते हुए मेरे को बाकायदा एक्सप्लेनेशन भेजता है एक बच्चा तो व्हाट्सएप पे भी एक क्वेश्चन पूछा था शायद ठीक है ना

तुम इतने छोटे से दो सेकंड के क्वेश्चन के लिए चौबीस घंटे से इंतजार कर रहे हो कि रिप्लाई आएगा कोई मुझे बताएगा क्योंकि जिसको पूछना था वो तो व्हाट्सएप पे पूछ के निकल गए मुझसे मुझे लगा क्लियर हो गया डाउट ठीक है ना क्योंकि मैं चौबीस घंटे टेलीग्राम ओपन करके नहीं बैठता हूं ठीक है ना मैं इस इसलिए कहता हूं लाइव जो आया उसका क्लियर हो गया अब देख लो उसमें जितने बच्चे आपको आंसर रिप्लाई किए ना सब लाइव आते नोट कर लो ठीक है ना तो ये चीज होता है बुरा मत मानिए आपका इंटरनेट थोड़ा सा खर्च होगा लेकिन मजा बहुत आता है लाइव में लाइव का मजा ही अलग है डियर ठीक है डियर तो मैं यहां आ गया अब देखो ध्यान से लेस वियर एंड टीयर एज कॉनकेव फ्लैंक मेक कॉन्टेक्ट विथ कॉन्वेक्स फ्लैंक देखो आ, आप लोग ये बताना था मुझे ये ये वाला जो होता है ना एपी साइक्लोइडल देखो।, देखो आ, ये होता है कॉनकेव, ये होता है कॉनवेक्स, ऊपर होता है कॉन्वेक्स नीचे होता है कॉनकेव इस चीज को भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ना तो बेटा एक दिन में रिकॉर्डेड अगर है अगर रिकॉर्डेड लेक्चर है बेटा तो आप रिकॉर्डेड में तो स्पीड में देखकर खत्म कर सकते हो ना रिकॉर्डेड को जल्दी जल्दी देखकर खत्म करो लाइव पे आओ बेटा ना? अब रिकॉर्डेड को भी एक दिन में एक ही वीडियो देखोगे तो एक तो पाप है पाप है। बच्चा लोग आपको समझ में आज मैं सिर्फ प्रोफाइल पढ़ाने आया था प्रोफाइल का क्या मतलब था यू कैन सी दिस अच्छा एक लाइन और मोर वियर एंड अरे भाई कॉमन सेंस लेस वियर एंड अब पूछो क्यों 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 अरे यार अभी थोड़ी देर पहले इसका टीथ टूट के असिस्टेंट के मुंह पे लगा था बोलो हाँ ना जी सर समझ गए ना क्यों होता है ज्यादा लेस क्यों होता है समझ गए ना क्यों होता है अभी अभी बताया था गियर का टीथ टूट गया सिस्टम इन मुंह पे लगा था इनवोल्यूट बचाने के लिए साइक्लोइडल लेकर आए थे ताकि ये ना हो वियर एंड ना हो साइक्लोइडल बात समझ में आई तो ये है तो इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान से देखना है आपको ठीक है ना तो मैंने आज आपको क्या क्या दिखाया अभी खत्म नहीं हुआ है क्लास सुन लो मैंने आज आपको क्या दिखाया मैंने आपको दिखाया इनवॉल्यूड प्रोफाइल का जनरेशन कैसे होता है हाउ द इनवॉल्यूड प्रोफाइल जनरेट इनवॉल्यूड प्रोफाइल का जनरेशन कैसे होता है

बट आज मैं आपको वर्स्ट और बेस्ट बताने आया था ठीक है ना ये डेरिवेशन मैं आपको कराऊंगा ऐसा नहीं है खत्म किया है बेटा काटा नहीं है टेंशन ना ये डेरिवेशन मैं आपको कराऊंगा ठीक है और ये प्रेशर एंगल और नंबर ऑफ टीथ का क्या रिलेशन है ये भी बताया जाएगा आपको टेंशन ना लीजिए आप लोग कहानी खत्म नहीं हुई है चलिए पीछे ठीक ना तो इनवॉल्यूट और साइक्लोइडल प्रोफाइल समझ में आया तो एक बार थम्स कर दो और कमेंट बॉक्स में आग लगा दो बवाल मचा दो सर रियली अप्रिशिएबल योर टीचिंग स्टाइल इज ऑसम योर गुरु थैंक यू जल्दी बताओ अरे फिफ्टी प्लस लाइक हो गए अरे थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट थैंक्स टू ऑल ठीक है ना इसको पहुंचा दो अब सौ के पार तो मैंने आपको बताया इनवॉल्यूट और साइकोलॉडल प्रोफाइल जल्दी जल्दी बताओ ये फील हुआ इनवॉल्यूट और साइक्लोइडल समझ में आया जल्दी जल्दी बताओ आज क्लियर हुआ इनवॉल्यूट प्रोफाइल बिल्कुल अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ गियर की लॉ ऑफ गियर देखो लॉ ऑफ गियर क्या कहता है क्लियर आज हम बात करें अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ गियर लॉ ऑफ गियर क्या कहता है तुम इनवॉल्यूट लो चाहे साइक्लोइडल लो लॉ ऑफ गियर सेम रहेगा बट 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 हम ज्यादातर क्या यूज करते हैं हम ज्यादातर यूज करते हैं इनवोल्यूट ठीक है ना हम ज्यादातर क्या यूज करते हैं हम ज्यादातर यूज करते हैं इनवोल्यूट अब हम इनवोल्यूट लो या आप लो साइक्लोइडल हम बात करेंगे लॉ ऑफ गियर की वो सेम होगा हम ज्यादातर यूज करते हैं इनवोल्यूट ठीक है ना बट 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 लॉ ऑफ गियर कोई प्रोफाइल की बात नहीं कहता लेकिन आपको प्रोफाइल पता होना चाहिए था लॉ ऑफ गियर सुनने से पहले इसीलिए बताया लॉ ऑफ गियर कहता है कोई भी दो डिस्क कोई भी दो डिस्क रोटेट कर रहा हो ठीक है ना यू कैन सी दिस गियर लॉ ऑफ गियर गियरिंग लॉ स्टेट दैट द लॉ ऑफ गियर स्टेट दैट द एंगुलर वेलोसिटी रेशियो ऑफ ऑल गियर सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट आर यू गेटिंग माई पॉइंट तो ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू इज वॉट कॉन्स्टेंट यह आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था सर डेरिवेशन बेटा देखो एक चीज बताता हूं डेरीवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है उतनी नीड नहीं है लेकिन अगर आप डेरिवेशन करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूंगा इस, इसकी नीड नहीं है कहीं नहीं पूछेगा कोई नहीं पूछेगा टेंशन ना नहीं, उसकी कोई नीड नहीं है लॉ ऑफ गियर आपको पता होना चाहिए होता क्या है इतना आपको पता होना चाहिए ये लॉ गियर के इनवॉल्यूट प्रोफाइल पे और साइक्लॉइडल प्रोफाइल पे दोनों पे आपका दिखाया जाता है इनवॉल्यूट और साइक्लॉइडल दोनों पे ये वैलिड होता है ये लॉ जो होता है ये दोनों के लिए वैलिड है ये अगर ऐसा किसी के सिस्टम के अंदर हुआ वो लॉ ऑफ गियर है वो सिस्टम क्या है गियर है वो हंड्रेड परसेंट पावर ट्रांसमिट करता है आर यू गेटिंग माई पॉइंट एक बार बता दो एक बार बता दो आर यू गेटिंग माई पॉइंट यस और नो ठीक है ना तो इसका कहीं डेरिवेशन वगैरह आपसे नहीं पूछा जाता है इसका डेरिवेशन करने में आपको मैं सच बात बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री और पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको पता है तो इसका डेरिवेशन कुछ नहीं है अगर आपको साइन और क्या पता है ना कॉस क्या होता है बेस अपॉन अपॉन हाइपोटेनस अगर आपको पता है तो आप आराम से कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है फाइनली डेरिवेशन में यही आने वाला हैल्फाजिकल टू वी टू कॉस बीटा और हम घुमा फिरा के यही चीज डिराइव करने वाले हैं और यहीं से वी वन अपॉन वी टू निकाल के और मेगा वन अपॉन मेगा टू वगैरह सब निकाल के दिखा देंगे और यहीं से कहेंगे भैया ये सिस्टम हो गया ठीक ना टेंशन मत लो अब मैं आपको कुछ चीजें यहाँ एक लाइन और बताने वाला हूं वो सुन लो बस ध्यान से सुनो गियरिंग लॉ द लॉ ऑफ गियर दैट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रियर मेस्ट गियर सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट आल्सो द ये लाइन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मस्ट पास थ्रू पिच पॉइंट ये लाइन को थोड़ा समझ लो ऑफ गियर खत्म है क्या कह रहा है समझो कह रहा है कि तुम किसी भी गियर के किसी भी गियर से तुम कॉमन नॉर्मल खींचोगे ठीक है ना चाहे तुम वन से खींचो चाहे तुम टू से खींचो तुम कॉमन नॉर्मल खींचोगे किसी भी पॉइंट पे एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जहां पॉइंट कॉन्टेक्ट हुआ वो तो पास होगा पिच से, से भी खींचो नॉर्मल खींचो देखो यहां से मैंने एक नॉर्मल लाइन खींचा है लाइन आपको नॉर्मल लाइन दिख रही है देखो कहां से पास हुई दिस इज व्हाट दिस इज पिच पॉइंट ठीक है ना और देखो नंबर वन का यहां से ये यह नाइन्टी डिग्री है कि नहीं है देख लो यहां नब्बे डिग्री लिखा हुआ है 90 डिग्री है नाइन्टी डिग्री है देख लो ये दोनों कहाँ से पास हो रहे हैं सर दिस इज कॉल्ड पिच पॉइंट इसीलिए हम लोग गियर में पढ़ते हैं कि जब भी दो गियर आपस में मैच होकर चलता है तो पॉइंट और लाइन का कांटेक्ट करता है इस पर गियर लाइन कांटेक्ट करता है बाकी सारा पॉइंट कांटेक्ट करता है टेंशन मत लो बार बार बता रहा हूं उसको ध्यान रखो पिच पॉइंट पे कांटेक्ट होता है और इसी पिच इस एक पॉइंट पे कांटेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं बेटा पिच पॉइंट ध्यान रखिएगा तो कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मास थ्रो पिच पॉइंट दैट्स इट और ऐसा होना चाहिए पहला चीज पिच पॉइंट और दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू क्या होना चाहिए डियर कॉन्स्टेंट होना चाहिए दैट्स इट अगर आप ये दोनों चीजें वैलिड हो रही हैं कि कॉमन नॉर्मल टू द कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कॉमन नॉर्मल अगर आप खींच लो तो वो कॉमन सेंस है कि वो पिच पॉइंट पे पास होगा ठीक है ना और वेलोसिटी रेशियो हमारा क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए दैट्स इट ठीक है ना आदित्य कह रहे हैं आलोक सर हैं तो टू तो ممكن है थैंक यू थैंक यू सो मच डियर ठीक है तो ठीक है, ठीक एक बार देख लो अच्छा ये क्या है इस फिगर को मैं थोड़ा तो सा बता दू। इस फिगर को मैं आपको कल भी दिखाऊंगा इस फिगर को मैं आपको कल भी दिखाने वाला हूँ। ठीक ना इसके ऊपर बहुत सारी बातें होंगी और कल इन्वोल्यूड प्रोफाइल का एनालिसिस होने वाला है कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं डियर आपको बता देता हूं कल मेरा जो क्लास होगा होगा एनालिसिस ऑफ कल की क्लास होने वाली है ध्यान रखिएगा देखो गियर कहीं भी टच कर रहा है वो पॉइंट का कॉन्टेक्ट हो रहा है दिख रहा है देखो देखो दोस्तों दोस्तों फिर देखो देखो दोस्तों देख रहे ब्लैक कलर का पॉइंट देखो। ये आया देखो वो पॉइंट क्या कहला रहा दिस पॉइंट इज कॉल्ड पिच पॉइंट दिस पॉइंट इज कॉल्ड पिच पॉइंट ठीक है और यहां जो अभी हमें बताया गया लॉ ऑफ गियर में कि अगर ये गियर नंबर वन है ये गियर नंबर टू है तो ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू ऑलवेज कॉन्स्टेक्ट ठीक है ना चलो तो बच्चा लोग इस सेशन को इतना शेयर कर दो इतना शेयर कर दो, सेशन वाह आग लगा दो बवाल मचा दो ठीक है अच्छा अब तो ये तो बात हो गई बेटा यूट्यूब क्लासेस की अच्छा एक और चीज और बताना है आप लोगों को ठीक है ना एक चीज और बताना है मेरे बच्चे कि आज नहीं कल से आप लोग कह रहे थे ना कि नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है न्यू सब्जेक्ट कल से स्टार्ट हो रहा है न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है स्कूम रात में ग्यारह बजे एलेवन पीएम रात में ग्यारह बजे कल से एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है मेरे बच्चे सोम ध्यान से ठीक है ना इसके अंदर आप क्या क्या पढ़ाने वाले हैं मैं आपको बता देता हूं ठीक है ना इसके अंदर मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन मतलब बोले तो एक वर्ड है कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन ठीक है ना ये पढ़ाने वाले हूं जिसके अंदर मैं आईएएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लूंगा गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लूंगा ठीक है ना आईएस के कन्वेंशनल क्वेश्चन लूंगा ठीक है ना आई एस कन्वेंशनल क्वेश्चन बोले तो मेंस का क्वेश्चन जो होता है जो मेंस का क्वेश्चन होता है वो सारे लूंगा टेंशन मत लो। इसके अंदर स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन करेंगे स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन करेंगे टेंशन मतलब मतलब सोम की जो क्लास है देखिए सोम में ज्यादातर फॉर्मूले न्यूमेरिकल यही सब ज्यादातर पूछे जाते हैं तो मेरा मानना है कि रात में अगर डेली एक से डेढ़ घंटा ठीक डेढ़ घंटे के आसपास ठीक घंटे के आसपास ये क्लास में अब रखूंगा आज तक एक घंटा होता था लेकिन डेढ़ घंटे के आसपास रखूंगा डेढ़ घंटे के आसपास अगर मैं ये क्लास रखूंगा रात में डेली डेढ़ घंटे का अगर मैं कहता हूं आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ सोम के क्वेश्चन सॉल्व करते हो आपको मजा आ जाएगा अच्छा कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन का मतलब यह है कि अगर किसी ने सोम नहीं पढ़ा है अगर आपने सोम नहीं पढ़ा है ठीक है ना देखिए अगर मैं स्टार्ट करता सोम ना तो आप कहते कि सर वही सिंपल स्ट्रेस ट्रेन नॉर्मल स्ट्रेस सीयर स्ट्रेस फिर से वही कहानी शुरू लोरी गाना तो मैं बस यही चाहता हूं कि क्वेश्चन के थ्रू अब सीखो ज्यादा मजा आएगा ठीक है ना तो अगर आप में से कोई एग्जाम आने वाला जैसे देखिए आपका एचपीसीएल एच वगैरह बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं इसरो आने वाला ई एस आने वाला बहुत सारे एग्जाम आने वाले तो मेरा मानना है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो तो ज़्यादा मजा आएगा क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट ले लो आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा जैसे कोई टॉपिक है मान लीजिए आपने मुझे बोला कि सर मेरे को थर्मल स्ट्रेस ट्रेन का नहीं आता थर्मल स्ट्रेस ट्रेन के तीन चार पाँच छः केस जो है मैंने मैं तो सात केस पढ़ाता हूं सर सातों केस एक बार बता दीजिए तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगा मैं हो सकता है एक घंटा आपको वो केस पढ़ा दूं और उसके बाद जितना उससे रिलेटेड क्वेश्चन वो सारा करा दूं तो ये भी हो सकता है तो आप टेंशन मत लो ये आपके लिए प्योर है मजेदार चीज है मैं बार बार बता रहा हूं पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा बस इसको नाम नहीं देंगे हम थ्योरेटिकल क्लास इसको हम नाम ये नहीं देंगे थ्योरेटिकल क्लास बस इसमें आप सभी के सपोर्ट की जरूरत है या आप सभी के कहने पर ही मैं ये लेकर आया हूं ठीक है ना मैंने सोम नहीं पढ़ा सर क्वेश्चन कैसे करूंगा बेटा यही वर्ड तो यही लाइन तो मैं सह रहा हूं कि जो बच्चा ये कह रहा है कि मैंने सोम नहीं पढ़ा वो भी आए मैं वही तो सिखा रहा हूं बेटा कि मैं ही बताऊंगा बट क्वेश्चन के माध्यम से जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको चीजें बताता जाऊंगा और एक एक क्वेश्चन का एक एक वर्ड क्लियर करूंगा ये मेरी गारंटी है अगर उसमें लिखा है स्टेट ऑफ स्ट्रेस तो मैं स्टेट ऑफ स्ट्रेस भी क्लियर करूंगा टेंशन मत लो अगर तुमको नहीं आता है तो अगर तुमको आता है तो मैं आगे बढ़ूंगा इज दैट क्लियर तो मेरा कहना यह है कि जल्दी से जल्दी अप भी हो जाएगा और आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस पूरा हो जाएगा ठीक है ना इस चीज को थोड़ा ध्यान से रखिए ठीक है थेके? और जो भी टॉपिक आप कहोगे मैं वो टॉपिक भी आपको थ्योरेटिकल टॉपिक वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा टेंशन मत लो पूरा का पूरा सोम ही चलेगा यहाँ और कुछ नहीं ठीक है ना तो आप लोगों को टेंशन नहीं होने वाला ठीक है ना टेंशन नहीं हो रहा है। इज दैट क्लियर नहीं पूरा देखो थ्योरेटिकल बैच अलग से आएगा थ्योरेटिकल बैच अलग है वो टाइम सुबह का है शाम का टाइम सिर्फ क्वेश्चन के साथ ही हम आपको पढ़ा सकते शाम का टाइम मैं ये सोचता हूँ ना क्योंकि देखो शाम को जो रात होती है ना जरूर ग्यारह बजे टाइम देखो ना बेटा 11 बजे रात में कोई नई चीज अगर आपके माइंड में डाली जाए आप कभी नहीं सुनोगे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट ये जल्दी आएगा माइंड में आप ये चीज तो देखो मॉर्निंग साढ़े नौ बजे थ्योरेटिकल क्लास परफेक्ट है परफेक्ट है तो ठीक है ना और रात में आप ये करो मैं बता रहा हूं आपको हंड्रेड परसेंट रिजल्ट मिलेगा अगर हंड्रेड परसेंट रिजल्ट नहीं मिला तो मैं बंद कर दूंगा मैं गारंटी दे रहा हूं आपको मजा आ जाएगा मैं गारंटी दे रहा हूं ठीक है ना आपको मजा आ जाएगा इस चीज में आपको इस चीज में मजा आ जाएगा सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे ठीक है ना ये स्टार्ट कब से हो रहा है सेवेंथ ऑफ अप्रैल मतलब कल से मतलब कल से रात ग्यारह कल रात से ठीक है टेंशन ना लो संडे को छुट्टी रहेगा संडे ऑफ रहेगा और बाकी सारा दिन क्लास रहेगा टेंशन ना लो सिर्फ संडे संडे ऑफ रहेगा ठीक है तो आप कृपया करके आप लोग स्टार्टिंग के पांच छह दिन आइए फिर आप फैसला करिए कि आपको आ रहा है कि नहीं ठीक ना फिर आप लोग मुझे बताइए सही है कि नहीं अगर आपके लिए परफेक्ट होगा तो करूंगा नहीं तो चेंज कर दूंगा आप जो वो चलाएंगे मतलब आपके लिए ही कहा है आपने बोला था तो टोम के साथ एक और सब्जेक्ट तो मैंने स्टार्ट कर दिया मशीन डिजाइन खत्म हो गया है ठीक ना सोम चलेगा ठीक है क्लियर है सभी को यह आपके लिए मैंने स्टार्ट किया ठीक ना ताकि ये हो सके अच्छा अब एक लास्ट बात स्पेशल क्लास की क्या हाल चाल चल रही है सर स्पेशल क्लास का क्या होगा बेटा स्पेशल क्लास स्पेशल क्लास यहां हम सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करेंगे इसके रिसेंट एग्जामिनेशन जितने भी रिसेंट एग्जाम आ रहे हैं उन सारे एग्जामिनेशन का टेस्ट सीरीज इस महीने आपको देखने को मिलेगा स्पेशल क्लास जितने भी रिस एग्जाम आ रहे हैं उन सारे एग्जाम का टेस्ट सीरीज थोड़ा आजकल क्लास इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि टेस्ट सीरीज में टेस्ट वगैरह निकालने में टाइम लग रहा है बेटा टेस्ट वगैरह क्वेश्चन टाइप कराने में टाइम लग रहा है मेरे को ठीक है ना बस वो एक बार तैयार हो जाए वो यहां आएगा और सब क्लियर है टेंशन मत लो ये भी जल्दी ही कल कल से या परसों से ये भी स्टार्ट हो जाएगा बहुत तगड़े तरीके से ठीक है ना टेस्ट सीरीज रिसेंट जितने भी एग्जामिनेशन है ठीक है ना आप लोग को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है इतने भी एग्जाम आ रहे हैं आपके यूपीआरबीएनएल ठीक है ना ये नाम से मैं दूंगा जैसे एच एल का टेस्ट एचपीसीएल फॉर्म भरे हो आप देख सकते हैं हैं यूपीसीएल बहुत सारे वैकेंसी निकली है उन सब के लिए मैं तैयार रख रहा हूं टेंशन मत ठीक है डियर ये आपके लिए आ रहा है तो स्पेशल क्लास में सिर्फ टेस्ट सीरीज जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री है। न्यू सब्जेक्ट कहां यूट्यूब पे ये यूट्यूब पे स्टार्ट हो रहा है ठीक है ना और ये तो चल ही रहा है इसका क्या ही कहना ये तो मजेदार तरीके से चल ही रहा है और एक बच्चा और पूछ रहा था मुझसे सीओडी का क्या हुआ सर एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था सीओडी का क्या हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ द डे का बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ द डे जल्दी ही स्टार्ट होगा अभी इतने सारे प्रोजेक्ट हैं कि ये सारे वर्क अगर एक बार कंप्लीट हो जाए तो अपन सीओडी के ऊपर भी ध्यान दे सकेंगे ठीक है तो देख लीजिएगा ध्यान से डियर और एक ही चीज बस आप लोगों को बताना चाहूंगा यहां ध्यान से देखिएगा कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो ठीक है ना सब्सक्रिप्शन अगर लेना चाहते हो तो एक बार ले लो क्योंकि सीरियसली ये ऑफर बहुत भयंकर ऑफर है कि आपको 12 मंथ के पैसे में पंद्रह मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है अगर किसी को भी लेना अगर आप प्लस पे चाहते हो जोड़ना देखो प्लस पे मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं अगर डिसिप्लिन में पढ़ सकते हो तो आप मत लो लेकिन थोड़ा सा भी अगर आपका डिसिप्लिन बिगड़ता है थोड़ा सा भी आपको फील होता है, नहीं यार, आज पढ़ने आना था मैंने नहीं पढ़ा कुछ बच्चे कह रहे, पढ़ लेंगे। नहीं होगा टाइम इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू मनी तो 12 महीने के सब्सक्रिप्शन में तीन महीने का आपको फ्री मिल रहा है कोड लगाना है आलोक लाइफ एक बार मेरे को आकर बता देना आपका काम हो जाएगा ठीक है ना 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन पे आलोक लाइव कोड लगाओ ठीक है ना दस परसेंट का डिस्काउंट भी पाओगे और पंद्रह महीने का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा ठीक है ना अब कॉन्सेप्ट ऑफ द डे स्टार्ट होगा डियर टेंशन मत टी महीने से पंद्रह महीने मिलेगा ये इसको ध्यान रखेंगे डियर और एक चीज और टेलीग्राम चैनल पे अगर अभी तक नहीं जुड़े तुरंत जाओ जुड़ जाओ सारा पीडीएफ नोट सब मिलेगा डियर टेंशन मत लो ठीक है और कुछ बच्चे जो परेशान है कि सर मतलब गाइडेंस दे दीजिए बेटा मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ कुछ दो तीन बच्चों से ठीक है ना मेरे पास कल भी बहुत सारे मैसेज आए थे ठीक ना तो मैं अभी समय मिलता है मैं कॉल करूंगा टेंशन मत लो या तो मैं बात करूंगा आप आप सभी से अगर आप प्लस लेना चाहते हो तो डाउट सॉल्विंग सेशन वीकली टेस्ट क्रैश कोर्स लाइव क्लासेस रैंक इंप्रूवमेंट बैच इंग्लिश हिंदी बैच ये सारी चीजें मिलेंगे आपको एक कोड यूज करना है दैट इज आलोक लाइव आलोक लाइव यूज करेंगे तो आपको टेन परसेंट ऑफ हो जाएगा और बारह महीने के सब्सक्रिप्शन पे पंद्रह महीने का आपको मिलेगा आइकॉनिक में भी महीने का लोगे तो पंद्रह महीना मिलेगा दो से तीन दिन के अंदर बेटा ठीक है ना अगर आप लेना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो तुरंत पर्सनल कोच स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस सेट सब मिलेगा ठीक है गेट एंड ईस गोल के अंदर गेट सब्सक्रिप्शन बटन दबाइए बारह महीने का है सत्ताईस हजार ठीक है ना आप ई कर सकते हैं अगर आपके पास है तो कोड यूज करना है आलोक लाइव और एक बार मेरे को बता देना है एक बार मेरे को इन्फॉर्म कर देना है सभी को ठीक है ना एक बार इन्फॉर्म करिएगा सभी लोग फटाफट ठीक है डियर एंड अट्ठारह uh, महीने का आलोक लाइव लगाइए चौबीस महीने पर आलोक लाइफ लगाइए ठीक है ना ऑफर सिर्फ बारह महीने वाले चल रहा है ध्यान रखना ऑफर सिर्फ यहाँ चल रहा है बारह महीने वाले पे सही तो है बारह महीने में पंद्रह महीना मिल रहा है इतने में तो काम हो जाएगा तुम्हारा ठीक है ना तो फटाफट ले लो सत्ताईस हजार फीस है बारह महीने का अगर आइकॉनिक लेते हो तो इस इसमें भी तीन महीने एक्स्ट्रा मिलेगा पैंतालीस एक हजार फीस है आइकॉनिक में आपको आई की अगर तैयारी करो तो करो है ना ई ले सकते हो टेलीग्राम चैनल पर फटाफट आकर ज्वाइन हो जाओ सारे पीडीएफ नोट्स फाइल सेक्शन में जाकर फटाफट डाउनलोड करो सेव करो अपने फोन में फोन में लैपटॉप में एक फोल्डर बनाओ सब सेव करो बम्पर ऑफर जो चल रहा है इसका फायदा लो मैं बार बार कह रहा हूं इस बम्पर ऑफर का जितना ज्यादा सो ज्यादा उसके फाइव ले लो ठीक है ना एक लाइन आप पढ़ सकते हो ऑफर्स ओनली फॉर फाइव सिक्स सेवन अप्रैल पांच बीत गया आज है कल सात ठीक है चलो सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस सेशन ठीक है ना थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट बहुत बहुत मजा आया ठीक है ना और मैं जल्दी ही प्लानिंग करता हूं आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज का क्योंकि देखो बेटा टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है ना किसी सब्जेक्ट का थ्योरी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना तो उसके लिए ही मैं आपके सामने लेकर आऊंगा जल्दी ही ठीक है तो मैं जल्दी ही आने वाला हूं तैयार रहना टेस्ट सीरीज खरीदना नहीं है कहीं से मैं हूं मैं हूं उसके लिए टेंशन मत लो टेस्ट सीरीज खरीदना नहीं अगर आप प्लस लेते हो तो आपको टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा ठीक है ना चलो डियर तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में सो टिल देन एंजॉय बाय बाय तब तक ले सभी को जय हिंद जय भारत